गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? अरे आ रहे हैं यार, थोड़ा टाइम लग जाता है। आ रही है आवाज? अरे आ नहीं रहे हो क्या? आओगे नहीं क्या? आज स्टार्ट करें? देखो, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, 3 से 4 घंटे का रहेगा, और हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पहली चीज, फर्स्ट चीज जो कि सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, हम लोग कर किसके लिए रहे हैं? गेट 2021 के लिए रहे हैं, ठीक है ना? तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं और क्या क्या उसमें पूछते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि हमें अप्रोच उनको सॉल्व करने की कैसी करनी है, ठीक है? तो जो प्राइमरी अपना एम रहेगा वो रहेगा सारे कॉन्सेप्ट कवर करने का, ठीक है? तो शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। तो बात कर रहे हैं हम लोग आज किसकी? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की। तो देखो, इसमें दो टर्म है। पहला क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन, और दूसरा क्या है, एयर कंडीशनिंग, ठीक है? गुड इवनिंग आशु। तो धीरे धीरे आ रहे हो, ठीक है? जब शुरुआत मिस हो जाएगी तब आओगे क्या? जल्दी से सबको बुला लो। गुड इवनिंग अंकित। ठीक है, तो देखो, आरएसी, देखो आरएसी इंपॉर्टेंट है और इजी है अगर थर्मोडायनेमिक्स की सारी प्रोसेसेस और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है? और सबसे ज्यादा जरूरी जो है इसमें क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक? तो देखो, इसके लिए हम बोले तो अराउंड 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे आएंगे, 2 क्वेश्चन तो हमको इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, 2 क्वेश्चन, ठीक है? एक मिलेगा रेफ्रिजरेशन से, एक मिलेगा एयर कंडीशनिंग से, इतना तो आता ही है। हो सकता है कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का टॉपिक है ना, इसलिए। और जैसे हम लोग इंटरव्यू के पर्पस से जाते हैं तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार थर्मोडायनेमिक्स कहोगे तो सारे बच्चे जाके बोलते हैं कि सर मेरा थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आरएसी कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को लगता है डर। गुड इवनिंग श्रीतम, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दो चीजें हैं, दोनों हमें पढ़नी है। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखने की, डिफरेंस होता क्या है, ठीक है? तो अगर एक लाइन में डिफरेंस बोले तो क्या है कि रेफ्रिजरेशन इज ए कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, लोअर देन सराउंडिंग, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग। और एयर कंडीशनिंग क्या है? कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है? क्वालिटी में प्योरिटी, वेलोसिटी सब कुछ आ जाता है। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं और टेम्परेचर वहां का 25 डिग्री है, जैसा कि हमको पता है कि ह्यूमन के लिए, कंफर्ट के लिए 25-24 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 50 से 60%, ठीक है? ये सबने पढ़ा होगा, अगर जो भी मैकेनिकल वाला है तो उसको ये पता होगा कि इतना होता है। तो देखो, हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में बैठ के हम लोगों को जो फील, अच्छा फील नहीं हो रहा है। टेम्परेचर 25 डिग्री है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कितनी है, 25, 50% है, ठीक है?
तो ये देखो इन सब टर्म के बारे में हम बात करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये कंफर्ट वाला टेम्परेचर क्या होता है, सब भी बात करेंगे। अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक पर्सन को अच्छा लगता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी उतनी है जितनी कंफर्ट में होनी चाहिए, उसके बाद भी उसको अंदर अच्छा नहीं लग रहा है कमरे में। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है एयर की। दैट मीन्स पता चला कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, प्योरिटी उसमें कम है, ऑक्सीजन कम है, और बाहर हम जा रहे हैं और बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं है, तब भी हमें वहाँ अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, जब इन तीनों को कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर कंडीशनिंग। और जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं लोअर देन सराउंडिंग, लोअर देन सराउंडिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो एक लाइन में सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि रेफ्रिजरेशन क्या है और एयर कंडीशनिंग क्या है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन से। पहला पार्ट हम लोग उठाएंगे रेफ्रिजरेशन, और उसके बाद हम लोग करेंगे एयर कंडीशनिंग। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन, तो भाई डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए कि रेफ्रिजरेशन क्या है, कि टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है हमें लोअर देन सराउंडिंग। और चूंकि ऐसा नहीं कि एक बार प्रोड्यूस करके हम चौक चले गए घर, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूअसली उसको प्रोड्यूस करना है, मेंटेन करके रखना है, इसलिए ये जो होता है रेफ्रिजरेशन एक साइकिल पे काम करता है। ठीक है, साइकिल पे काम करता है, और जो इसकी आइडल साइकिल है, आइडल साइकिल कौन सी है, रिवर्स कार्नोट, रिवर्स कार्नोट। हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे कि मान लो हमने एक बार हीट एक्सट्रैक्ट कर ली और टेम्परेचर हमने मान लो एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस कर दिया या -10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद फिर हम चले गए, तो वो रेफ्रिजरेशन हो गया, खत्म हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस वही टेम्परेचर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली उसको प्रोड्यूस करना होता है, हीट रिमूव करनी पड़ती है सोर्स स्पेस से अपने। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है एक साइकिल पे, और जो आइडियल साइकिल है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल है। आइडियल साइकिल समझते हो, आइडियल चीज कब हम लोग लेते हैं, जो हमें बाकी चीजों को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो जब भी आइडियल साइकिल की बात होगी तो रिवर्स कार्नोट है, और जो इसकी सीओपी होगी, एक हम लोग इसमें टर्म निकालते हैं सीओपी, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, वो जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसकी, रिवर्स कार्नोट की। तो अगर हम लोग रिवर्स कार्नोट की बात करें तो सबको पता है साइकिल कैसे होती है, टीएस डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी रिवर्स कार्नोट साइकिल, और हमको पता है रिवर्स कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है इसमें आइसोथर्मल और एक होती है एडियाबेटिक, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये मान ले रहे हैं कोई टेम्परेचर है हायर और ये है लोअर। ठीक है, और साइकिल अपनी चक्कर चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि हमें पावर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है लोअर देन सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि इतने स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें टेम्परेचर क्या कहते हैं, हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए यानी कि पावर कंजम्पशन हो रहा है, वर्क कंज्यूम हो रहा है, तो साइकिल क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर इसका हम लोग डायग्राम वैसे बनाएं नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से, देखो इस टाइप से बनता है, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये अपना स्पेस है जहां पे हमको टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, लोअर देन सराउंडिंग, और ये अपना सिंक है या सराउंडिंग है, सराउंडिंग है जहां पे हम लोग हीट जो भी बची होगी बाहर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे, और इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये रेफ्रिजरेटर है जो वर्क करेगा। तो वर्क कैसे करेगा, अगर हमें इस एरिया में टेम्परेचर कम प्रोड्यूस करना है तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वर्क इनपुट होता है, और इस तरह की साइकिल क्या, फिर एक रिजेक्ट भी होता है। तो यही चीज मैं इसमें बता रहा था, ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब वाला काम कर रहा है, और ये कौन सा काम कर रहा है, रिजेक्ट वाला। ठीक है, तो जो हमारी इफिशियंसी बनेगी, सॉरी सीओपी बनेगी, सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये क्या है, आउटपुट है अपॉन इनपुट। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग ये इनपुट कर रहे हैं, वर्क इनपुट कर रहे हैं, करेक्ट,
वर्क इनपुट कर रहे हैं और यहां से क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना, यानी कि यही आउटपुट है। हम चाहते क्या है, इस स्टोरेज स्पेस से इतनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लें, यही चाहते हैं। जब ये हम लोग चाह ले रहे हैं तो इसी को हमने टर्म दिया है क्या, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मेजर करने के लिए कि भाई कि कैसे हम लोग बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन का कैसा अच्छा है खराब है, तो कोफिशियंट परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, कि ये वैल्यू है, लेकिन ये मेजरिंग जैसे हम लोग इफिशियंसी करते हैं ना, इंजन की इफिशियंसी कर ली हम लोगों ने, प्लांट की इफिशियंसी कर ली, कि इफिशियंसी ज्यादा है तो मतलब अच्छा है, कम है तो मतलब खराब है। वैसे सीओपी अगर ज्यादा होती है तो अच्छा होता है, कम होती है तो खराब होता है। देखो कैसे देख लेते हैं हम लोग भाई, वर्क इनपुट सीओपी ज्यादा होगी दैट मीन्स क्या होगा, वर्क इनपुट हमारा क्या होगा, कम होगा। सीओपी अगर ज्यादा करोगे तो वर्क इनपुट क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितना हम लोग मिनिमम से मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम और इसको बढ़ा मैक्सिमम आउटपुट ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेटर है। हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा से ही चाहते हैं कि हमें काम जरा सा करना पड़े, आउटपुट पूरा हो जाए। ठीक है, हम पढ़े सिर्फ एक महीने और हमारी गेट में अंडर अंडर रैंक आ जाए, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, तो सीओपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब वर्क इनपुट क्या है, वर्क हम से कैसे इनपुट करते हैं, कंप्रेसर से। ठीक है, और कंप्रेसर क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जितना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उतने हमारा कम बिल आएगा। तो वर्क इनपुट जितना कम हो और जितना ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे दे उसके रिस्पेक्ट में, वही हमारे लिए अच्छा है। यानी कि हमारे लिए हायर सीओपी डिजायरेबल है, हायर सीओपी डिजायरेबल है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा है। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग आकाशदीप। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन जरा सा पढ़ा है कि मतलब क्या होता है सीओपी एक टर्म, तो यहां बात समझ में आई होगी। अब देखो सीओपी यहां पे ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है ना, तो वहां पे साइकिल पढ़ी होंगी, कार्नोट साइकिल, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। ठीक है, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग देखें तो COP क्या हो सकती है, Q absorb, ठीक है, Q absorb divide by Q reject minus Q absorb, ठीक है, Q reject minus Q absorb, ये हो सकती है। और अगर हम लोग इसमें Q absorb, अगर हम लोग इसमें सिंपल जैसे हम लोग निकालते हैं ना TS डायग्राम में, जो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो क्या हमें हीट देता है, तो अगर हम लोग सबकी रिजेक्शन की और इसकी दोनों की हीट निकाल लें, दोनों निकाल लें, ये मान लो एस वन एस टू निकाल लोगे, फार्मूले में पुट करोगे, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है पहला। और दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने दो फार्मूले अभी जस्ट पढ़े हैं। देखो अब मैं देखो बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं कि ये कैसे आ गया यहाँ पे रख दोगे, तो सिंपल सबको पता है कि एरिया जो होता है वो हीट देता है, तो हम लोग अगर टी एल एस टू माइनस एस वन करेंगे तो करेंगे वो एस टू एस वन कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इजी पार्ट है, सिंपल याद करो। जब रेफ्रिजरेशन की बात होगी तो टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल होता है, जब हीट पंप की बात होती है तो क्या होता है, टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। ठीक, तो यहाँ बात हो गई थी सीओपी की, सीओपी है क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखो होता क्या, थोड़ी सी फीलिंग लेके आते हैं हम लोग, घर में सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, कॉइल्स होती हैं, ठीक है, वो कॉइल्स होती हैं इवेपोरेटिंग कॉइल्स, वो क्या करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, सबने देखा होगा उनके घर में जो फ्रीजर होता है या फिर जो पीछे वॉल्स होती हैं उसमें कॉइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ जाती हैं, कंप्रेसर में, ठीक है, वहाँ से उसका प्रेशर इंक्रीज होता है और वापस कंडेंसर में जाके जो वो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट, और रिजेक्ट करने के बाद एक थ्रॉटलिंग वॉल्व होती है, वो क्या करती है, वापस मिनिमम मतलब टेम्परेचर उसका करती है क्या, रेफ्रिजरेंट का रिड्यूस। तो थोड़ा सा फीलिंग आया होगा कि होता कैसे है, वो जो इवेपोरेटिंग कॉइल होती है वो क्या काम करती है, हीट एब्जॉर्प्शन का, और जो बाहर कंडेंसर लगा होता है, आजकल के रेफ्रिजरेटर में नहीं लगा होता है, पहले के टाइम पे पूरी जाली लगी होती थी, ठीक है, पीछे, तो वो क्या था, कंडेंसर था, वो क्या करता था, बाहर हीट रिजेक्ट करता था, करेक्ट, सबने देखा होगा रेफ्रिजरेटर। और हम करते क्या है, ये स्पेस क्या है, वो उसी रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्टोरेज स्पेस है जिससे हम लोग कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई
ये COP क्या है, COP समझ में आ गया, coefficient of performance, refrigeration effect upon work input, और इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ये भी समझ में आ गया भाई। जितना वर्क इनपुट कम करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट कम लगेगी कंप्रेसर चलाने में, करेक्ट। आगे चलते हैं, यूनिट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या यूनिट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट क्या होती है रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, TR, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ये टन क्या है, ये देखो टन जो है, हम लोग जो टन पढ़ते हैं ना, टन, एक टन, ठीक है, टन उसमें होते 1000 kg, लेकिन ये वाला टन नहीं है, ये US वाला टन है, इसमें हम लोग लेके चलते हैं 907 पॉइंट कुछ होता है, 88 करके कुछ होता है केजी वाटर, केजी वाटर, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा है इसलिए मैं वाटर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करना हो तो सिंपल क्या है कि हम लोग एक टन ऑफ वाटर में, ठीक है, वन टन ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम क्या करेंगे, इस वन टन ऑफ वाटर से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कब तक, जब तक कि ये वन टन ऑफ वाटर किस में ना कन्वर्ट हो जाए, आइस पे, आइस में कन्वर्ट ना हो जाए, वो भी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि वो लेटेंट हीट वाला काम हो रहा है, हमने इतनी हीट एक्सट्रैक्ट की है वन टन ऑफ वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आइस में, करेक्ट, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेटेंट हीट हमने सारी एक्सट्रैक्ट कर दी है, तो उसका फेस ट्रांसपोजिशन हो गया है। और ये काम जो हमें करना है कब, कितने टाइम में करना है, 24 आवर में, यानी कि वन डे, किस में करना है, 24 आवर में, यानी कि वन डे में। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वन डे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वन डे, ठीक है। तो देखो पहले इसका पढ़ लो, उसके बाद फ्लूइड मशीनरी का देखना, ठीक है, पहले इसका पढ़ लो, थोड़ा कुछ समझ लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर आज 3 घंटे पढ़ लिया तो क्वेश्चन गेट में नहीं रुकेगा, गारंटी बात है, ठीक है। तो देखो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन समझ गए, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर अवेलेबल है, उससे हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस में कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर में, ठीक है। क्या था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वन डे। अगर पूरा लैंग्वेज देखो जो डेफिनेशन होती है वो यही है, करेक्ट। तो ये हमारा TR की वैल्यू हो गई, और 1 TR इज इक्वल टू होता क्या है, अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट, और किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, और अगर किलो जूल पर मिनट में लिखना हो तो कितना होता है 210 किलो जूल पर मिनट। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज और थी जो हम लोगों ने अभी जस्ट COP निकाली थी, तो COP तो समझ गए थे हम लोग, क्या था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, और ये जो होगा इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, ठीक। अब हम लोग क्या करें, इसमें अगर मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करा दें, मतलब ऐसे करा के देख रहे हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए, मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हो गया है एम डॉट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एम डॉट इनटू वर्क इनपुट। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्या है किलो जूल पर केजी, मास फ्लो रेट की क्या होती है केजी पर सेकेंड, तो यहां से ये कट जाएगा, क्या बचेगा किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम लोग बोल दें एम डॉट इंटू वर्क इनपुट बोल दो या फिर एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल दो, तो ये हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी किलो वाट, तो किलो वाट क्या होता है पावर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर इनपुट, करेक्ट। और इसको बोलते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और इसको बोलते हैं पावर इनपुट। यूनिट क्या होती है? किलोवाट। तो ये हो गया आरसी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और पावर इनपुट। जो हम लोगों ने कॉम्बैट में सवाल लगाया था उसमें किलोवाट में ही दे रखा था, तो हम लोगों ने इसी से ही सवाल लगाया था। करेक्ट, सिंपल। यूनिट क्या हो गई? किलोवाट। किसकी? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एम डॉट क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तेज तो नहीं चलना है, पहले ये बता दो मुझको। ठीक है, तेज तो नहीं चलना है ये बता दो। सब समझ में आ रहा है? यहां तक बात समझ में आई है जो हम लोगों ने की छोटी मोटी बात? यहां पे देखो एनर्जी कन्वर्जन वाला बड़ा बवाल रहता है यूनिट का, तो यूनिट इसीलिए मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिए, कोई डाउट ना रह जाए। यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अरे करेक्ट। आगे देखो, तो यहां पे अपना काम हो गया किसका, कि हम लोगों ने समझ लिया है कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में बेसिक जो अपना मेन डिफरेंस है वो देख लिया है। ठीक है, और यूनिट देख लिया रेफ्रिजरेशन की। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि अब हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन की बात करें, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर गेट की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है, कहां से आता है, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा जानने के बाद। देखो चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट से। पहला सिंपल सीओपी पूछता है। ठीक है, सीओपी पूछता है रेफ्रिजरेशन की या हीट पंप की। करेक्ट, और उसमें रिलेशन पूछता रहता है इधर उधर, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, कैपेसिटी देगा, मास फ्लो रेट देगा, सिंपल सीओपी पूछता है। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली यहां से आता है। दूसरा जो अच्छा क्वेश्चन आता है वो आता है वेपर कंप्रेशन से, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से। और ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा आता है, इसमें वो सारा दिमाग लगवा लेता है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, इसमें वो एच एफ एच जी सैचुरेशन एंथैल्पी वगैरह वाली वैल्यू भी सारी वो यूज कर लेता है, एंट्रोपी भी यूज कर लेता है, सब कुछ। और इधर वाला जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, बाकी एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन कहां से आता है? गैस रेफ्रिजरेशन से। ठीक है, तो इसका तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और रुकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, ऑटो साइकिल और गैस पावर प्लांट वाली साइकिल, तो वही सिमिलर टाइप के फॉर्मूले लगते हैं, बस रिवर्स साइकिल होती है। तो इसमें थोड़ा सा सीओपी में जो निकालते हैं हम लोग उसमें डिफरेंस आता है। तो इन तीनों जो इन दोनों वैरायटी में वो कुछ भी पूछता है। ठीक है, यानी कि वो हो सकता है सिर्फ कंप्रेसर वर्क पूछ ले, हो सकता है कि हीट रिजेक्टेड पूछ ले, हीट रेट पूछ ले। ठीक है, और इस वाले में तो वो पूछ लेता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी, क्योंकि कंप्रेसर यूज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इस वाले में पूछ लेता है। करेक्ट, इधर वाले में आओ तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा पूछता है, किस साइकिल पे किस पॉइंट पे कहां पे क्या टेम्परेचर है। ठीक है, और एक तो फोर्थ आता है, वो या तो वो कहीं से भी आता है, मतलब हल्का वो उसके आने के चांस कम होते हैं। पहले तीन से ही हमको क्वेश्चन नॉर्मली गेट में मिल जाता है। एब्जॉर्प्शन का आ जाएगा तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, या फिर वो पूछ लेता है कभी कभार कि भाई कौन सा रेफ्रिजरेंट है, क्या इसकी क्वालिटी है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उधर से तो बहुत ही रेयर एक आधी क्वेश्चन आया है, अदरवाइज हम लोगों को पहले ही तीन पार्ट से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो बेसिक दो या तीन फॉर्मूले हैं, जो बेसिक दो या तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्वेश्चन वहीं को घुमा के वहां के पूछता है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किलोवाट में निकाला था, ठीक है, पावर कंजम्पशन किलोवाट में निकाल लिया, तो पावर इनपुट क्या था? किलोवाट में। अब वो हो सकता है सवाल में पूछ दे किलोवाट आवर में, किलोवाट पर सॉरी किलो जूल पर आवर में, किलो जूल पर डे में, तो यहाँ पे यूनिट हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत फंसाता है। वर्क इनपुट निकाल लेते हैं, वर्क इनपुट से पावर इनपुट कैसे निकलेगा, हमें सिर्फ मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर सेकेंड, बाकी फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से, जैसे भी करना है। क्लियर? तो यहां तक की बात क्लियर हो गई?
तो हम लोगों को देखो ये दोनों पे तो बहुत बुरी तरीके से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि सवाल मैक्सिमम आने के चांस इन्हीं दोनों से हैं, वेपर कंप्रेशन से, उसमें भी सबसे ज्यादा इससे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से, किससे? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वेपर कंप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन में सिंपल और स्टैंडर्ड वाली जो हम लोग के सिलेबस में है वही वाली पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल या फिर स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल, चार पार्ट होते हैं, ठीक है, जो अपनी प्रोसेस है इसमें चार पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर होता है, ठीक है। कंप्रेसर से निकलने के बाद अपना कहां जाता है, कंडेंसर। देखो मैं बना दे रहा हूं शॉर्ट में, कंडेंसर, ताकि समझने में इजी रहे। कंडेंसर, कंडेंसर से कहां जाता है, थ्रॉटलिंग वाल्व। थ्रॉटलिंग वाल्व से कहां जाता है, इवेपोरेटर, ठीक है, और इवेपोरेटर से वापस कहां जाता है, कंप्रेसर। तो ये अपनी टोटल पूरी प्रोसेस होती है, ये अपना इवेपोरेटर है, ये थ्रॉटलिंग वाल्व, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व। रेफ्रिजरेंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे। अब देखो, अब सुनते जाना। सबसे पहले क्या होगा कि यहां पे अपना स्टोरेज स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस, जहां से हमको क्या करना है, हीट एक्सट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले यहां से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्यू ए, हीट एब्जॉर्ब की, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना भी हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है, उतनी हीट हमने क्या की, एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद रेफ्रिजरेंट अब क्या हो गया, गर्म, तो वो चला गया आगे, फिर गया है कंप्रेसर में, ठीक है, कंप्रेसर में गया है, और उसने क्या किया है, उसका प्रेशर इंक्रीज किया है, कंप्रेसर ने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज किया है, प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहां गया वो, कंडेंसर में। कंडेंसर क्या है, काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है। तो यहां पे क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, फिर वहां से वापस रेफ्रिजरेंट चलेगा आगे, और थ्रॉटलिंग वाल्व, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं हम लोग अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया है, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या, एकदम ट्यूब होती है पतली सी, ऐसे एकदम हेयर के टाइप, इतना पतला उसमें क्या होता है, होल होता है, जहां से रेफ्रिजरेंट होके जाता है, और जब वो जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अब कैसे होता है, मैंने बताया था थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कि भाई जब बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होती है वहां से, तो रेफ्रिजरेंट तो आ रहा है वहां से, तो जब वहां जब निकलना होता है उसको, तो आपस में रब करने लगता है, टकराने लगते हैं मॉलिक्यूल्स, जब टकराने लगते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है, तो जो वापस यहां से टकराव करा के निकलता है लास्ट में, उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम, कितना होता है, बहुत कम, और फिर वो टेम्परेचर जाता है किसमें, इवेपोरेटर में, और वापस हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई सिंपल सी बात है, 50 डिग्री -50 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर तुम रेफ्रिजरेंट भेजोगे और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्या करेगा, इससे हीट खींचेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका घटेगा, बीच में कहीं आके बैठ जाएंगे, करेक्ट, तो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वापस ये प्रोसेस चलती रहेगी, करेक्ट है बात। तो अब जरा देखो, इसको अगर हमें TS और PH दोनों डायग्राम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, TS डायग्राम में बनाना है और PH डायग्राम में बनाना है, ठीक है, तो बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसी होती है, हाईली इरिवर्सिबल, इसलिए अपनी साइकिल कैसी होगी, इरिवर्सिबल साइकिल। मैंने बताया था कि वो जो हीट जो रिमूव हो गई है टकरा के फ्रिक्शन की वजह से, वो वापस नहीं आने वाली है, ठीक है, इस तरह की अपनी साइकिल होती है, हम लोग नाम देना चालू करते हैं। यह है फर्स्ट प्रोसेस,
ये है फर्स्ट, यहां से देना चालू करते हैं तो वहां पे आराम से उसी को डिनोट कर लेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये है अपना पॉइंट फर्स्ट, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकेंड, ठीक है, ये है थर्ड कंडेंसर निकलने के बाद, और ये है फोर्थ, करेक्ट। तो अगर यहां पे हम लोग बनाए तो देखो कहां पे ये है टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी, ठीक है। तो जो पहली प्रोसेस होती है जो कंप्रेशन होता है वो आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे गया, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे गया। और अगर यही डायग्राम हम लोग पीएच डायग्राम में बनाए, ठीक है, पीएच में बनाए तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, जो कंप्रेसर अपना काम कर रहा है बढ़ा रहा है प्रेशर को P एंड ये H, 1 से 2, ये कौन सी प्रोसेस है 1 से 2, एडियाबेटिक कंप्रेशन, वो भी आइसेंट्रोपिक। देखो एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। आगे देखो 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, देखो प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो यहां से क्या हो रही है हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है 2 से 3, 2 से 3 क्या हो रही है हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। देखो 2 से 3 क्या है कंडेंसर है, हीट रिजेक्ट हो रही है। फिर देखो 3 से 4 क्या है थ्रॉटलिंग वाल्व है, थ्रॉटलिंग वाल्व को मैंने बताया था कि कैसी प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है 3 से 4, 3 से 4 क्या है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये कैसी होती है आइसेंथैल्पिक, हाईली इरिवर्सिबल है लेकिन होती है आइसेंथैल्पिक, यानी कि इसमें एंथैल्पी जो होती है H3 इज इक्वल टू क्या होता है H4 फॉर प्रोसेस 3-4, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन बोलते हैं थ्रॉटलिंग को, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। आगे देखो लास्ट, लास्ट पार्ट अपना क्या है, ये स्टोरेज स्पेस जो यहाँ पे होगा, स्पेस अपना स्टोरेज स्पेस जहां से हम लोग को हीट रिमूव करनी है, यहां से हीट क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, यहां पे होगा अपना स्पेस जहां से हीट क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट। तो ये अपने डायग्राम बन गए, ये डायग्राम जिसको रट लिया और जिसको समझ में आ गया कहां से क्या चल रहा है, तो सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा, सवाल सारा यहीं से सॉल्व हो जाना है, बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं है। देखो ध्यान रखना सवाल जो लगेगा अपना एंथैल्पी के टर्म में लगेगा, एंथैल्पी के टर्म में लगेगा, और एंथैल्पी हम लोग निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग इसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं कि जो फ्लो हो रहा है, और जब स्टेडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज क्या कर देते हैं निगलेक्ट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस क्या कर देते हैं निगलेक्ट, ठीक है, और ट्रीटेड एज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो की तरह करते हैं और ये एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कंप्रेसर वर्क डब्ल्यू इन, जो ये डब्ल्यू इन है, डब्ल्यू इन कंप्रेसर वर्क है डब्ल्यू इन, ये कितना हो जाएगा सिंपल H2 माइनस H1, ये क्या हो गया अपना कंप्रेसर वर्क, यानी कि इतना इनपुट हमें देना पड़ेगा, ये अजम्पशन है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग Q रिजेक्शन की बात करें QR, तो QR कितना हो जाएगा H2 माइनस H3, और अगर हम लोग Q एब्जॉर्प्शन की तो वो कितना हो जाएगा H1 माइनस H4। हम लोगों को सब लोगों को पता है कि Q एब्जॉर्प्शन ही क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, करेक्ट, और ये क्या है वर्क इनपुट। और अगर इन दोनों में हम क्या करें मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा पावर इनपुट हो जाएगा, कब, जब m डॉट H1 माइनस H2, और ये करा दें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मास फ्लो रेट m डॉट H1 माइनस H4, और इस H1 माइनस H4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं H3 इक्वल टू H4 है ना भाई, ये तो बराबर है ना दोनों, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो एब्जॉर्प्शन है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा H1 माइनस H3, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने हैं, ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, और जैसे ही इसको हम लोग COP में रख देंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का
H1 माइनस H4 या फिर H3 लिख दो डिवाइड बाई H2 माइनस H1, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ये सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं इस पेज में, ये हमको रट के रखने हैं, सारे सवाल मैक्सिमम यहीं से लग जाते हैं, सारे सवाल यहीं पे लग जाते हैं। ठीक है, कौन सा साइकिल क्लॉकवाइज हुआ रे? ठीक है, देखो हमारी साइकिल कहाँ है क्लॉकवाइज, बस यहीं तो परेशान हो जाते हो, बस यही तो देख रहे हो है? ये देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे वहां पे हमने अरेंज किया है अपने अरेंजमेंट को, वो कैसे भी कर लें भाई, हम कंप्रेसर जैसे हमने कंप्रेसर ये लगाया, हम इसको पलट के इधर से लगा दें, क्या फर्क पड़ेगा? साइकिल तो असली ये है ना जो डायग्राम में दिखा रहे हैं, वो देखो कैसी है, 1 2 3 4 इरिवर्सिबल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछो। मोहित कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? अब जरा आगे देखो, इसमें एक चीज और रह जाती है, क्या? वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर, ये हमारी और रह जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर, इट इज अ ब्रीथिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्रेसर, इट इज अ ब्रीथिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्रेसर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग, इट इज डिफाइंड एज, अगर हम लोग बात करें वॉल्यूमेट्रिक, एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखो एंट्री के टाइम पे जो वॉल्यूम है एक V1 है, उसको हमने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम, कुछ दे रखा है जो हमको टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, स्टीम वाली, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 या तो सवाल में दे रखा होगा, और अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा दें मास रेट से, मास फ्लो रेट से, तो हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, मास फ्लो रेट से अगर मल्टीप्लाई करा दें m डॉट, ठीक, मास फ्लो रेट, तो हमारा क्या मिल जाएगा? एक्चुअल वॉल्यूम। कैसे मिल जाएगा अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो मास फ्लो रेट तो हो जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा देखते जाना अभी, m डॉट इंटू V1। ठीक है, m डॉट इंटू V1, स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर केजी, और इसकी क्या होती है मास फ्लो रेट की? केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। जैसे इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो वॉल्यूम यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि यही क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक्चुअल वॉल्यूम जो इंटर कर रहा है किसमें? किसमें? कंप्रेसर में। ठीक है, तो हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? सिंपल, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी m डॉट V1 डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू इंटू एन इंटू के। ठीक है, n और k क्या है? नंबर ऑफ कंप्रेसर, मान लो बहुत बड़ा प्लांट है, कई कंप्रेसर लगा रखे हैं, तो ये है नंबर ऑफ कंप्रेसर, और ये क्या है? स्पीड। और ध्यान रखना ये स्पीड है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, ना कि मिनट में, मिनट में लगा दोगे तो काम हमारा हो जाएगा खराब। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछो। ठीक है, देखो बेटा पीवी इक्वल टू एमआरटी हम लोग नहीं लगाते हैं, क्यों? पीवी इक्वल टू एमआरटी लगता है ना, तो वो सुपर हीटेड रीजन में होना चाहिए, आइडियल वाला केस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको
नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। पी वी इक्वल टू एम आर टी, पी वी इक्वल टू एम आर टी कब लगाएंगे, जब हमारा कंप्रेसर में जो एंट्री हो वो सुपर हीटेड रीजन में हो तब हम लोग लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो सैचुरेशन कर्व में हो रही है ना, करेक्ट। विशाल त्यागी ये सेशन प्राइवेट तो नहीं होगा, ठीक है। क्लास 6 बजे स्टार्ट हुआ नरेंद्र, पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम लोग हैं। देखो तो ये ध्यान रखना, इस पे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा भी एक आध सवाल, ठीक है। कुछ है नहीं है, कुछ याद करने लायक इसमें है नहीं है फॉर्मूले में। एक्चुअल वॉल्यूम और कॉन्सेप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एक्चुअल वॉल्यूम तुम्हें बता दिया मैंने कैसे निकालना है, एम डॉट वी वन, और ये सॉफ्ट वॉल्यूम तो जानते ही हो, जो सिलेंडर का डाया वाया दे रखा होगा और उसकी स्ट्रोक लेंथ दे रखी होगी, तो सॉफ्ट वॉल्यूम निकाल लो। ये हमने स्पीड आरपीएम से करा दिया है, और ये करा दिया है कि पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन घूमेगा, और ये नंबर ऑफ कंप्रेसर। तो इन सब से मिला के जब क्वेश्चन बनता है तब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अच्छा एक सेकेंड और, यहाँ अगर पहले कोई भी दिक्कत हो, दोनों साइकिल जो हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, दोनों हम लोगों ने साइकिल समझी है कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तुम उससे एक बार पूछ लो, वरना फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं, वरना फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं। ये बात सीपी एंड सीवी कब यूज करना है अनुज कुमार, ठीक है। अरे जब अब मैं क्या बताऊंगा, सीपी एंड सीवी, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो सीपी होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है, सीवी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं करना था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ और करना था। तो अभी देखो मैं थोड़ी देर बाद अभी जाऊँगा और इसमें हीट एक्सचेंजर लगाऊंगा, हीट एक्सचेंजर लगाने के बाद जो एंट्री होगी वो सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाएगी, फिर वहां पे जो हम लोग वर्क निकालेंगे वो पी वी इक्वल टू आर टी में निकालेंगे, और फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालेंगे। यहाँ पे हमको पूछना चाहिए था तुमको कि सी एल और सी वी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों कब कहां लगाएंगे, तो वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाओगे क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैं दे रहा हूं, इसको लगाना है अभी, सॉल्व करना है सबको, गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो और कितना समझा जा रहा मुझे आंसर बताओ, क्योंकि सबने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट का सारा रिवीजन हो गया है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, कहाँ कहाँ से ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है,
8.997 सही है। एक बार देखो ऐसे मत लगाओ, एक बार पूरा डायग्राम बना के सारी वैल्यूज लिख के अच्छे से लगा लो और एक बार समझ लो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे दे रखी है और कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यही पर्पज है। सिर्फ ऐसे ही पढ़ने लेना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन अपना सॉल्व होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन अपना सॉल्व होना चाहिए। आंसर 8.9 किलोवाट ही है, 8.93 किलोवाट ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब लग जाएगा, बस तीन लोगों ने लगाया है, बाकी लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट ही सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन फिर भी एकाध एकाध तो लगाओ ताकि समझ में आए कि हाँ कुछ सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो कहानी में, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा ये वाला। अब काफी लोगों ने लगा लिया है क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं कि लगता है गेट गेट करके डरते रहते हो, लेकिन आती वो छोटी छोटी चीजें हैं। लास्ट तक सारे सब्जेक्ट का सिर्फ रिवीजन करते रहोगे, बेसिक पकड़ के रखोगे और फॉर्मूले याद रखोगे, किसी भी हालत में 70-75 से कम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन सब पकड़ के रखना, कुछ भी भूल मत जाना, ये मत करना कि कल पढ़ लेंगे कल कर देंगे जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वेपर कंप्रेशन साइकिल ही दे रखी है अपनी, तुम लोग यहीं बना ले रहे हैं टीएस डायग्राम, करेक्ट, चाहे जो बना लो। अब कह रहा है कि आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है बिटवीन 0.14 मेगा पास्कल एंड 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो नीचे वाली होती है अपनी, ये 0.14 वाली है और ये 0.8 वाली है, ठीक है। इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, तो मास फ्लो रेट दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 0.05 केजी पर सेकेंड, करेक्ट। द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो हमको सब पता है रेट ऑफ हीट रिजेक्शन क्या होगा, अगर हम इसका नाम नंबर नंबरिंग कर दें 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, सिंपल रेट ऑफ हीट रिजेक्शन क्यू आर, वो क्या हो जाएगा एम डॉट इंटू एच टू माइनस एच थ्री, यही हो जाएगा, यही हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट थोड़ी देर पहले। तो एच टू एच थ्री निकालना है, देखो उसके लिए इतना लंबा डाटा दे रखा है कि 0.14 पे जो H की वैल्यू है वो कितनी है 236.04 किलो जूल पर केजी और एंट्रोपी इतनी है, ठीक है। और 0.8 पे कितनी है, इतनी सुपर हीटेड रीजन में, और सैचुरेटेड लिक्विड लिक्विड में कितनी है, इतनी है। तो इसको तो हमें बनाना ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं, कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। देखो 0.8 पे सुपर हीटेड रीजन में कितनी है 272.05, तो इसकी दे रखी है कितनी 272.05, कितनी दे रखी है 272.05, करेक्ट। और दे रखी है सैचुरेटेड लिक्विड, तो सैचुरेटेड लिक्विड कौन सा, ये वाला सैचुरेटेड वेपर कौन सा, ये वाला, सो यहां से, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पार्ट है, सैचुरेटेड लिक्विड वहां पे दे रखी है इट इसी सेम पे वैल्यू, कितनी दे रखी है 93.42। तो देखो तीनों वैल्यू दे रखी है, एक लाइन का सवाल था, दो नंबर में आया, अब समझ लो दो नंबर में क्या वैल्यू है। सिर्फ लिखने का उसने, अपने क्वेश्चन को बनाने का, इतनी लंबी लैंग्वेज लिखने का दो नंबर मांगा है उसने, बाकी सवाल में तो देखो कुछ नहीं है। एम डॉट कितना है 0.05, ये कितना आ रहा था 272.05 माइनस 93.42, और जब निकाल ले रहे हो तो कुछ आ रहा है 8.93। तो देखो इस तरह के इजी सवाल आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन के लिए तो मैं, सर ने आज दोपहर में लिया था ना माई 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन तो वहां हो गए थे, उससे पहले कॉम्बैट में हो गए थे। ये वाला रिवीजन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी रिवाइज करानी है मुझे, मेन कॉन्सेप्ट ये है,
क्योंकि इतने बड़े नोट से पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, डाउट भी होते हैं। यहाँ क्या है कि मैं पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक आरएसी की थ्योरी आज रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया होगा सबका ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। और ध्यान रखना इस तरह के सवालों में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देखे, बोर और स्ट्रोक दोनों में क्या करते हैं, ठीक है, कि सिलेंडर के डाया और स्ट्रोक में रेशियो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी में वैल्यू इधर उधर करके एंट्रोपी करके, जैसे हमने एक कॉम्बैट में सवाल लगाया था इसी टाइप का, वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूले हैं, बस हिंदी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बस हमें करना है इसको। तो फॉर्मूले और ये डायग्राम नहीं भूलना है किसी भी हालत में। अगर हम लोग गैस रेफ्रिजरेशन की बात करें तो जो गैस रेफ्रिजरेशन है एकदम सेम है कैसा, वेपर कंप्रेशन के जैसा। नहीं, गैस रेफ्रिजरेशन से पहले एक चीज़ तो और रह गई है यार, ठीक है, एक चीज़ तो और हो गई, बहुत काम की चीज़ है वो। क्या एक चीज़ रह गई है? क्या? कि जो ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। पर फिर क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वेरी कराएं, ठीक, प्रेशर वेरी कराएं, तो उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सीओपी बढ़ती है घटती है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो अगर हम इसमें देखें सबसे पहले स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर घटाएं तो क्या होगा? देखो इसमें ये जितने भी केस हैं बिल्कुल याद करने ही नहीं है, याद किसी भी हालत में करने ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम, अगर पहला वाला डायग्राम सबको याद है तो कुछ भी याद करने ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। देखो ठीक है, देखो प्रेशर की बात कर रहा है, करेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं वो वाला डायग्राम खींच लेते हैं, कौन सा वाला, इंथैल्पी वाला, इंथैल्पी वाला डायग्राम हम लोग खींच लेते हैं। तो हम लोगों की जो प्रोसेस थी वो किस टाइप से थी, वो इस टाइप से थी, ठीक है। ये कौन सा प्रेशर है, ये इवेपोरेटर प्रेशर है, और ये कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर, और यही दोनों कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था और ये कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या था, हीट एब्जॉर्प्शन था। और अपने नंबरिंग क्या थी, 1, 2, 3, 4, और साइकिल कैसे थी, ऐसे थी, चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज। अब कह रहा है कि इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने सिस्टम पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, ये देखो डिक्रीज कर दिया हमने, ठीक है, प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया। अगर हम लोग इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो आधे तो इसी में परेशान हो जाओगे, क्या कहानी हो गई। ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर को हम लोग डिक्रीज करते हैं, अब हो गया हमारा डिक्रीज, ये हो गया 1 dash, ये हो गया 4 dash, और ये हो गया 2 dash, इवेपोरेटर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया। पहले कितना था, पहले हमारा इतना था और अब हो गया है इवेपोरेटर प्रेशर इतना, डिक्रीज हो गया। तो क्या इफेक्ट पड़ा, सबसे पहला जो इफेक्ट हमें देखना है, क्या देखना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो जरा मुझे देख के बताओ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा है कि घटा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा है कि घटा है, जल्दी बताओ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। तो इसमें वर्क इनपुट इंक्रीज हुआ है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटा है। वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट क्या है, H2 dash minus H1 dash, तो देखो पहले से ज्यादा हो गया, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, RE, वो क्या है, H1 dash minus H4 dash, यानी कि ये वैल्यू हो गई ना, ये वैल्यू, और वर्क इनपुट हो गई ये वैल्यू, तो ये बढ़ी है ये घटी है। और जब दोनों उल्टे ही हुए हैं, मतलब वर्क इनपुट बढ़ गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया है, तो हमारी वॉल्यूम, जो हमारी सीओपी है वो क्या होगी, ये हमारा घट गया है, ये हमारा बढ़ गया है, जबकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग जस्ट उल्टा चलते हैं कि ये कम हो और ये बढ़े, तब तो सीओपी बढ़ेगी। इस केस में क्या हो जाएगा, सीओपी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाएगी, और परफॉर्मेंस खराब होनी ही है, परफॉर्मेंस खराब होनी ही है, कि जैसे ही प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है, हमारी इफिशियंसी क्या हो जाती है, खराब।
उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ध्यान रखना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस केस में, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, वन प्लस सी माइनस सी पी टू बाई पी वन की होल पावर वन बाई एन, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्लियरेंस रेट है और क्लियरेंस फैक्टर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सी इक्वल टू वी सी अपॉन वी एस, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम सी। ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये डिपेंड करता है पी टू बाई पी वन, और जैसे ही ये डिफरेंस बढ़ेगा ठीक है, वैसे ही हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो ये तो सर ने हो सकता है कंप्रेसर वगैरह में कराया होगा, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कराया होगा, दो लाइन का ही होता है, ठीक है। यार देखो तुम लोग क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 घंटे हैं 4 नंबर 5 नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सीरियस होके पढ़ो और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको समझते रहो। तो पहला हमने केस क्या किया है, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया है। अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें इसी में ही नीचे चलते हैं। अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सब कूलिंग से पहले कर लेते हैं सुपर हीटिंग, क्या कर लेते हैं, नहीं पहले हल्के हल्के वाले केस निपटा देते हैं फिर भारी वाला लास्ट में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके बाद सब कूलिंग, क्या करते हैं, सब कूलिंग, ठीक है। तो सब कूलिंग क्या होती है, अभी देखो मैं बता रहा हूँ कि सब कूलिंग क्या होती है, ध्यान सुनते रहना। ये चारों केस है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ईएस का तो उठा लोगे तो लाइन से क्वेश्चन पूछे गए होंगे सब कूलिंग। ठीक है, तो सब कूलिंग क्या होता है कि अब जो हम लोग यहां पे इसको यहां तक ठंडा कर रहे थे, रेफ्रिजरेशन को यहां तक ठंडा कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा कूल करेंगे। तो इससे ज्यादा कूल करते हैं और फिर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करेंगे और वापस क्या करेंगे, फिर क्यू एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो अपनी प्रोसेस थी अब हो गई 3 डैश और 4 डैश। तो जब हमने सब कूलिंग किया है, पहले यहीं से नीचे ले आते थे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, अब हमने क्या किया, उसको और ज्यादा कूल किया है, अपने रेफ्रिजरेंट को और ज्यादा कूल किया है। तो देखो इस केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जरा बताओ मुझे, बढ़ेगा घटेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी कि इंक्रीज कर गया है। वर्क इनपुट में कोई इफेक्ट पड़ा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वैसे ही का वैसे ही है कॉन्स्टेंट। तो इस केस में सीओपी क्या होगी, अपनी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट होती है, ये कॉन्स्टेंट है, ये बढ़ गया है, तो सीओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखो पहला एक ये हमको मिला है कि जब भी हम सब कूलिंग करेंगे तब तब हमारे सिस्टम की सीओपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सीओपी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, सेम ही रहेगी, करेक्ट, क्योंकि प्रेशर रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है, इंक्रीज इन एवोपरेटर प्रेशर, केस 3, इंक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर देखो ध्यान से कौन सा वाला था, हमारी साइकिल ऐसे थी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेटर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, मैं करके दिखा देता हूं, हमने इंक्रीज कर दिया, पहले क्या था पी इवेपोरेटर ये था, अब क्या हो गया है पी इवेपोरेटर ये हो गया है, तो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, बाकी सबको कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो जब छेड़छाड़ नहीं किए तो हमको बाकी वैल्यूज जो मिल रही है किस हिसाब से मिल रही, देखो, यानी कि पहले था 1, 2, 3, 4, अब हो गया ये
टू डैश और ये थ्री डैश और ये फोर डैश। तो इस केस में जरा मुझे बताओ, जैसे ही हमने इवेपोरेटर प्रेशर को इंक्रीज किया है, क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट हमारा क्या पड़ा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है हमारा, डिक्रीज हो गया है। वर्क इनपुट क्या हो गया है हमारा, इंक्रीज हो गया है। प्रेशर रेशियो हमारा क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है, यानी कि सीओपी भी हमारा डिक्रीज होगा और इफिशियंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो तीन अपने चार केस हो गए हैं, ठीक है। जरा देख के बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या किया, इवेपोरेटर जो प्रेशर था उसको इंक्रीज कर दिया है, बाकी किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसको इंक्रीज किया है। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले था H1-H4, अब वो हो गया H1-4-H2, अब इतना सा रह गया है, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना सा रह गया है, ठीक है। और वर्क इनपुट इतना बढ़ गया है एक्स्ट्रा, यानी कि हमें आउटपुट भी कम मिल रहा है, इनपुट ज्यादा हो गया है। तो जब भी प्रेशर से छेड़छाड़ करोगे, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जब भी प्रेशर से छेड़छाड़ करोगे सीधी सी बात है सीओपी भी डिक्रीज होगा और वॉल्यूमेट्रिक भी इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कब, जब कंडेंसर का जब प्रेशर का जो दोनों के बीच का गैप है उसको इंक्रीज कर रहे हो तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको डिक्रीज कर रहे हो, इसको डिक्रीज करोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको याद रखने हैं, करेक्ट है बात। नेक्स्ट आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट है समझने वाला, लास्ट सुपर हीटिंग, जो अभी पूछ रहे थे ना पीवीआरटी वाला, फोर्थ सुपर हीटिंग। सब कूलिंग हम लोग कर चुके हैं, सुपर हीटिंग, ठीक है। सुपर हीटिंग क्या है, कि हम लोग जो एंट्री होती है किसकी, हमारे फ्लूड की, हमारे फ्लूड की जो एंट्री होती है कंप्रेसर में, हमारे रेफ्रिजरेंट की जो एंट्री होती है कंप्रेसर में, वन टू थ्री एंड फोर, हमें क्या करना है, सुपर हीटिंग करना है। तो सुपर हीटिंग कर देते हैं, देखो थोड़ा सा इसको आग ले जाके, ये हो गया वन डैश और ये हो गया टू डैश। अब इसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बनाता हूँ दूसरा डायग्राम, वहां पे एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर हो क्या गया, एकदम से झटके से दुनिया कैसे बदल गई, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये सारे डायग्राम मैं पीएच डायग्राम खींच रहा था, अब खींच रहा हूं मैं टीएस डायग्राम, ठीक। ये टीएस डायग्राम अपना, वन टू थ्री एंड फोर। अब सुपर हीटिंग करना है, सुपर हीटिंग करना है, यानी कि थोड़ा सा इसको इधर ले जाओ, थोड़ा सा इधर ले जाओगे, ये थोड़ा सा इधर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा काम, सुपर हीटिंग हो गया। प्रेशर चेंज नहीं करना है, जो प्रेशर की लाइन होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है ना, ऐसी चलती है ना प्रेशर की लाइन, पढ़े होगे थोड़ा बहुत प्योर सब्सटेंस, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन, करेक्ट। तो ये हो गया अपना क्या, सुपर हीटिंग। हमने क्या किया, जो इनलेट टू द कंप्रेसर था, जो सैचुरेशन कर्व पे था, उसको थोड़ा सा सुपर हीट कर दिया। देखो इसका फायदा है, जब सैचुरेशन ऑफ द कर्व पे हो सकता है, तो हो सकता है कंप्रेसर में थोड़ा बहुत लिक्विड भी साथ में आ जाए, और जब लिक्विड साथ में आ जाता है तो कंप्रेसर के जब लिक्विड ड्रॉपलेट उसमें होंगे, वेपर होगा, तो उसके कंप्रेसर के पिस्टन वगैरह के खराब होने के चांसेस है, इरोजन करोड हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सुपर हीटिंग करते हैं। लेकिन अब ये देखना है हमें कि सुपर हीटिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना बढ़ गया, वर्क इनपुट भी क्या है, बढ़ा है, ठीक है। वर्क इनपुट भी क्या है, बढ़ा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है, अपना बढ़ गया है, वर्क इनपुट भी बढ़ा है। तो अब हमारी दोनों चीजें बढ़ रही हैं, हमारे क्वेश्चन में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, आरई भी इंक्रीज हो रहा है और वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हम लोगों की सीओपी जो है, जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो भाई ये डिपेंड करेगा कि कौन किस रेट से इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो रही है ये रिस्पेक्ट में कम हो रहा है तो सीओपी बढ़ जाएगी, अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो रही है ये इसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है तो सीओपी नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी, करेक्ट है ना बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब चूंकि हमारा जो लिक्विड है रेफ्रिजरेंट वो पहुंच गया है सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है,
तो अब हम यहां पे लगा दे रहे हैं कंप्रेसर का वर्क। तो कंप्रेसर का वर्क देखो क्या होगा, वर्क कंप्रेसर क्या होता है, गामा अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है ना, गामा अपॉन वन माइनस गामा, पी वन वी वन माइनस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, इसको लगा दो। और हमें पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी, तो एम आर टी वन और एम आर टी टू। जैसे ही इसको लगाओगे और कॉमन करोगे किसको, एम आर टी वन को, तो जो ये टर्म आएगा गामा अपॉन वन माइनस गामा और क्या आएगा, एम आर टी वन, ठीक है। टी वन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसके टर्म में, वन माइनस पी टू अपॉन पी वन, ठीक है, वन अपॉन वन माइनस पी टू अपॉन पी वन गामा माइनस वन की पावर डिवाइड बाई गामा, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपल रिलेशन निकाल दिया, टी वन कॉमन ले लोगे, इसको हमने इसकी जगह पे क्या रखा है एम आर टी वन, इसकी जगह क्या लिखा है एम आर टी टू, और एम आर टी वन क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। तो ये देखो ये चीजें कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने प्रेशर से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, पी टू पी वन सेम है, ठीक है। ये चीजें भी सारी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये चीजें भी सारी क्या है, कॉन्स्टेंट है, इससे भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ना प्रेशर से कोई छेड़छाड़ की है। तो फाइनली यहां पे जो कंप्रेसर का वर्क आता है, W कंप्रेसर, W इनपुट, वो किसका फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर। और जैसे ही इनलेट टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा कंप्रेसर वर्क भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंप्रेसर वर्क यहां से हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये बात क्लियर है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे डाउट में पूछते हैं बाद में कि सर देखो इस तरीके से लाइन चलती है, ठीक है, एक लाइन ऐसे चल रही है और एक लाइन ऐसे चल रही है, तो यहां भी गैप बराबर होगा, यहां भी गैप बराबर होगा और यहां भी गैप बराबर होगा। तो पहले तो ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर होती है फिर, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहे होते हो तो ज्यादा हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये जो काम था ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, क्या कि कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा जैसे इनलेट टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेसर वर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इस केस में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जब हम लोग सुपर हीटिंग कर रहे हों कि हमारा सीओपी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी रेफ्रिजरेंट के केस में सीओपी बढ़ती है, किसी किसी के गेट में कसती है, आर12 के केस में ये बढ़ती है और अमोनिया के केस में ये घट जाती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम कुछ निष्कर्ष पे नहीं निकल के आए, कोई रिजल्ट नहीं आया, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी बढ़ रही थी ना, दोनों चीज़ें हमारी बढ़ रही थी, ये भी बढ़ रहा था ये भी बढ़ रहा था, तो पता नहीं चल रहा था भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। देखो ये तो मैंने सिर्फ बताया है कि जो इनपुट वर्क होता है कंप्रेसर का, जो वर्क कंप्रेसर वर्क है वो किसका फंक्शन है, इनपुट टेम्परेचर का, टी वन का। तो जब भी हम लोग टी वन, जैसे कि यहां पे था ना, पहले टेम्परेचर क्या था, इनपुट यहां पे था, ये टेम्परेचर टी एस डायग्राम है ना, ये टेम्परेचर, अब क्या हो गया, ये टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो वर्क इनपुट क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो वर्क बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, किसी भी हालत में कांस्टेंट नहीं रहेगा या घटेगा नहीं। तो ये बातें हमें सारी याद रखनी है। इसके बाद देखो इसमें एक चीज और होती है, क्या, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर, क्या होता है, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक। तो देखो यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि हीट एक्सचेंजर से क्या करते हैं, हम लोग सुपर हीटेड रीजन में लेके जाते हैं। यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर जब पढ़ रहे हैं तो पूरा इसको खत्म ही कर देते हैं, हीट एक्सचेंजर इन VCRS, VCRC, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो अब इसमें होता क्या है कि
अपना क्या है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर में एंट्री कहां से होती है, कंप्रेसर, ठीक है, कहां से एंट्री होती है कंप्रेसर, ठीक, और सॉरी कंडेंसर में कहां से एंट्री होती है कंप्रेसर में, कंप्रेसर से ही होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहां से एंट्री होती है, ठीक है, इसमें कहां से एंट्री होती है, इसमें एंट्री होती है हमारी इवापरेटर से, कहां से होती है इवापरेटर से, और इवापरेटर से जब एग्जिट होता है ना, उल्टा लगा रहा हूं क्या, नहीं सही लगा रहा हूं, ठीक है एरो सही लगा रहा हूं मैं, ये क्या हमारा इवेपरेटर, ठीक है। और इवेपरेटर के बाद क्या होता है, हमारी एक्सपेंशन वॉल्व, और उसके बाद हमने लगा रखा है इसको। देखो मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है, ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, ठीक। अब होता क्या है, अगर हमें सुपर हीटिंग करनी है बगैर किसी मेहनत के, तो सुपर हीटिंग अगर हमें करनी है बगैर किसी मेहनत के, तो देखो मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना रहा हूं इसका, ध्यान से देखते रहना, बस 2 मिनट की बात है अभी सब क्लियर हो जा रहा है। ठीक है 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट, ये लाइन सीधी नहीं है, मैं सीधी कर देता हूं इनको, ठीक है 1, 2, 3 एंड 4 ये डायग्राम है अपना, कंप्रेसर है ये, ठीक है, यानी कि यहां से जो इनलेट हुआ है आउटलेट हुआ है ये क्या है 2, यहां पे जो इनलेट हुआ है 1, ये क्या है 2, कंडेंसर में इनलेट, कंडेंसर में आउटलेट 3, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 4, और ये लास्ट में क्या हो गया यहां पे एंट्री के टाइम पे 1, ठीक है 4। अब हम लोग करते क्या है कि अगर हमें इसमें काम करना है सुपर हीटेड, तो सुपर हीटेड कैसे होगा, सुपर हीटेड ये ऐसे होगा है ना, सुपर हीटेड कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये हो गया सुपर हीटेड। लेकिन हम लोग बाहर से हीट ना देके हम लोग इंटरनली कोई हीट यूज कर रहे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए हमने हीट एक्सचेंजर लगा लिया। तो लगाने के बाद क्या हुआ, हमने हीट एक्सचेंजर कहां पे लगाया, हम लोग लगाते हैं इवेपरेटर से निकलने के बाद, करेक्ट, और कंडेंसर से निकलने के बाद, यानी कि कंडेंसर से आउटपुट यहां पे है, तो यहां पे, तो यहां से जब इवेपरेटर से निकलेगा 1 पे निकला है, 1 पे निकला है करेक्ट, और यहां पे हमने लगा दिया हीट एक्सचेंजर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो 1 है, इसको मान ले रहे हैं हम कितना है 1 डैश, कितना है 1 डैश, तो ये कितना हो गया 1 डैश, यानी कि ये हो गया जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है 1 डैश करेक्ट। अब जो आउटपुट होगा वो 2 नहीं होगा, वो कितना होगा 2 डैश, और एंट्री कहां पे होगी इसमें कंडेंसर में 2 डैश। भाई चेंज हो गया ना सब कुछ, पूरी कहानी अपनी चेंज हो गई, ठीक है। तो अब ये जो 2 पॉइंट रह ही नहीं गया सेकंड पॉइंट, अब ये डायरेक्ट हमने कर दिया है क्या 2, ठीक है। और चाहे तो परेशान मत हो, जब एक ही रखना है हमको तो क्या रखो, इसको सिर्फ 2 ही रखो, ज्यादा अच्छा है करेक्ट। अब जरा देखो, जब कंडेंसर से लिक्विड निकला तब भी हमने इसमें हीट एक्सचेंजर लगा दिया, तो हुआ क्या है कि यहां से जो रेफ्रिजरेंट निकला है कंप्रेसर में जाने के लिए, उसका टेम्परेचर बहुत कम है भाई, ये हायर वाला है, ये लोअर वाला है करेक्ट, टेम्परेचर बहुत कम है, और जो कंडेंसर से आउटपुट निकला है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा, इसको टेम्परेचर दे देगा, इसको थोड़ी सी हीट दे देगा जिसके पास, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जैसे ही हीट देगा, तो जो ये इनपुट है, जो ये हमारा इनपुट है
उसका थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वन से कितना पहुंच जाएगा, वन डेस पहुंच जाएगा, करेक्ट बात। और ये जो टेम्परेचर है इस कॉइल का, इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा भाई, इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, डिक्रीज होगा ही होगा। अरे डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, जब थोड़ी सी हीट इसको दे देगा तो जो यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा, थ्री डेस निकलेगा। कितना निकलेगा, थ्री डेस। थ्री पे एंटर किया था एक्सचेंजर में, निकला कितना है, थ्री डेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो सिंपल सा काम हमने किया है, पुरानी वाली साइकिल में एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया है हमने। कहां पे लगाया है, इवेपरेटर से निकलने के बाद, और इवेपरेटर का टेम्परेचर है कम, और कंडेंसर से निकलने के बाद कंडेंसर का टेम्परेचर है ज्यादा। तो ये हीट अपनी इसको थोड़ी सी दे देगा, थोड़ी सी हीट इसको नीचे दे देगा, ठीक है। क्यू लिख दे रहे हैं, क्यू दे दिया। जैसे ही देगा तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग सीओपी लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो क्या लिखेंगे, अब हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, जरा मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है। अब हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, H1 minus H3 dash कितना हो जाएगा, H1 minus H3 dash, ये अपना क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और अगर हम लोग वर्क इनपुट की बात करें तो क्या हो जाएगा, H2 minus H1 dash, ये वाला पॉइंट है और H1 dash ये वाला पॉइंट है। देखो यहां तक जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, ये 1 से 1 dash तक है ना, अगर हम लोग इसको जूम करके देखें यहां पे अलग से, तो जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ना, ये 1 से 1 dash तक, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ना 1 से 1 dash तक, तो इसके लिए हमने कहीं से अलग से मेहनत वर्क नहीं किया है ना, ये हमको कुछ दे रहा है, ये सिर्फ हमने कंडेंसर की हीट यूज करके जो इनलेट टेम्परेचर था रेफ्रिजरेंट का उसको इंक्रीज कर दिया, सुपर हीटेड रीजन में कर दिया। उसके फायदे हैं, उसके फायदे क्या है कि जैसे ही सुपर हीटेड रीजन में जाएगा तो ये क्या है, ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है ना, तो जब यहां से जाता है सेचुरेशन से, तो हो सकता है कुछ पार्ट लिक्विड का चला जाए, एक आध रह जाए, तो कंप्रेसर के डैमेज होने के चांस है। तो जब थोड़ा सा सुपर हीटेड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके डैमेज होने के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली वेपर हो जाता है। बात समझ में आई? तो देखो ये जो 1 से 1 डेस गया, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक। और जो यहां 3 से 3 डेस गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिग्री ऑफ सबकूलिंग। अब मुझे एक जनरल कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने एक नाम बताया है बस, अब एक जनरल कॉन्सेप्ट से जरा मुझे बताओ, इस हीट एक्सचेंजर में जितनी हीट इसने दी होगी इतनी ही हीट तो इसने ली होगी, अलग से तो कहीं ले नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है अपना, वो क्या है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट, ये अपना कॉन्सेप्ट है जो सिंपल सा है, ठीक है। और हीट हमें पता है क्या है, H3 minus H1, हीट गेन कितना है, H1 dash minus H1, और ये कितना हो जाएगा, H3 minus H3 dash, कितना हीट गेन किया है H1 dash minus H1, और कितना लॉस किया है H3 minus H3 dash, ठीक है, और इतना ही तो किया है। अब हमें बताएं ये पूरा क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी ये सुपर हीटेड है वेपर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, CV, ठीक है, CV मतलब के सी तो समझते हो ना, स्पेसिफिक हीट ना, सीवी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, ये क्या हो जाएगा T1 dash minus T1, और ये क्या हो जाएगा सी लिक्विड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड T3 minus T3 dash। तो देखो यहां से हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस है, लेकिन जो डिग्री ऑफ सबकूलिंग, जो डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या है T3 minus T3 dash, और ये क्या है
T1 डैश माइनस T1, ये दोनों जो हैं डिग्री ऑफ सुपरहीट ये टर्म और ये क्या है डिग्री ऑफ सुपर कूल सब कूल, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल। ये पूरा टर्म इक्वल है, ये पूरा टर्म इक्वल है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस है, लेकिन ये डिग्री ऑफ सब कूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीट। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर है और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर है और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है, ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होती तो ये भी इक्वल हो जाते। तो ये मेरे हिसाब से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बहुत सही सुमित, थ्रॉटलिंग में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। थ्रॉटलिंग में तो मैंने अभी अभी बताया कि वो स्मॉल ओपनिंग होती है, इतना ज्यादा हीट लॉस होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होना ही होना है। ठीक है, थ्रॉटलिंग कभी टायर से हवा निकाली है ना, एक तरीके से थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। जब हवा निकलती है तो ठंडी निकलती है, क्यों निकलती है भाई, जब वो उसमें प्रेशर से हवा भरी हुई है, हम लोग एकदम से निकाल रहे हैं, जब निकाल रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो एटमॉस्फेयर में लूज हो जाती है। ठीक है, हीट जब लॉस हो गई तो जो निकलता है वहां पे उसकी वैल्यू जो टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर कम होता है। ठीक है, देखो बात समझ में आई ना कि हीट एक्सचेंजर से हमने क्या किया। देखो, हीट एक्सचेंजर करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे कंप्रेसर में किसी भी तरीके से लिक्विड ना जाए। ठीक है, लिक्विड ना जाए, क्योंकि अगर यहां से एकदम भेजोगे तो हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत लिक्विड बचाओ। अगर लिक्विड चला जाएगा तो लिक्विड सबसे पहली बात तो कंप्रेसर के हेड को और पिस्टन को डैमेज करेगा, दूसरी बात जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो सकता है उसके साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, और तुम्हारे जो हीटिंग कूलिंग इफेक्ट है उसको ही, और क्या कहते हैं लुब्रिकेशन इफेक्ट है उसी को खराब कर दे। तो हम लोग इसके लिए थोड़ी सी सुपर हीटिंग डिजायरेबल होती है, थोड़ी सी। ठीक है, बाकी मैंने बताया है कि सुपर हीटिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं है किसमें, सीओपी बढ़ने या घटने में। ये किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट पे। ठीक है, नेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, किस टाइप का हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बताया था R12 के लिए बढ़ता है, अमोनिया के लिए घटता है, करेक्ट है बात। तो हमारा अब वेपर कंप्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया और काफी टाइम भी हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, गैस रेफ्रिजरेशन। देखो, गैस रेफ्रिजरेशन क्या है, सेम है एज वेपर कंप्रेशन, बस क्या करना है हमको, थ्रॉटलिंग डिवाइस को चेंज कर देना है। ठीक है, थ्रॉटलिंग डिवाइस को चेंज कर देना है किसमें, एक्सपेंडर में। ठीक है, एक्सपेंडर, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये क्या रहेगा, कंडेंसर। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, इवेपोरेटर। ठीक, यहां पे क्या रहेगा, कंप्रेसर। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा अपना, कंप्रेसर। तो देखो, बाकी सारी चीजें वही रहनी है, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, थ्रॉटलिंग वाल्व की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडर। वो क्यों आ जाएगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इवेपोरेटर से निकलेगा, कंप्रेसर में जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंडेंसर में जाएगा, हीट रिजेक्ट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है। क्यू एब्जॉर्ब, सॉरी यहां गलत एरो बना रहा हूं, यहां तो स्टोरेज स्पेस होगा अपना, स्पेस से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये एक्सपेंडर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब देखो, यहां पर थ्रॉटलिंग वाल्व क्यों नहीं यूज की, ठीक है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रॉटलिंग वाल्व। इसमें जो गैस रेफ्रिजरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं बेल कोलमैन साइकिल। क्या बोलते हैं, बेल कोलमैन साइकिल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल और इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स जूल साइकिल। इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, गैस रेफ्रिजरेशन है, इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, एयर, करेक्ट, एयर। और एयर हमारा बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस। ठीक है, और फॉर एन आइडियल गैस इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेम्परेचर ड्रॉप इज जीरो। ठीक है,
अगर हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जाएं आइडियल गैस को, आइडियल गैस ठीक है, तो म्यू जो होता है एक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये होता है जीरो फॉर आइडियल गैस, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग आइडियल गैस के थ्रॉटलिंग प्रोसेस करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई टेम्परेचर चेंज आएगा ही नहीं, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा रहेगा थ्रॉटलिंग का, तो हम लोग क्या यूज करते हैं एक्सपेंडर, ताकि हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए। तो ये एक डिफरेंस है किसके बीच में, थ्रॉटलिंग और एक्सपेंडर के बीच में। थ्रॉटलिंग हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के लिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, जितने पे एंट्री करेगा उतने पे ही एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ गलत लिख दिया है मैंने क्या, नहीं ना सही है, ठीक। तो देखो साइकिल इसकी बना लेते हैं हम लोग, प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं एक बार में देख लेते हैं, क्योंकि बगैर डायग्राम के तो भैया काम चलने वाला नहीं है। इसमें हम लोग को ज्यादा केस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसमें हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडर एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। जो अपनी फर्स्ट प्रोसेस होती है 1-2 वो होती है रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो TS डायग्राम हम पहले बना दे रहे हैं, वन से टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन हम लोग कहां कर रहे हैं, कंप्रेशन कहां कर रहे हैं भैया, वन ये टू, टू से थ्री कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, थ्री से फोर ठीक है, और फिर वापस फोर से वन। तो देखो पहला हो गया हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन होती है, थ्री फोर ये क्या है, हीट रिजेक्ट कर रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और ये क्या कर रहा है यहां पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिमिलरली अपना यहाँ पे स्पेस रहा होगा जहां से क्या कर रहा है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क इनपुट, ठीक है। यहाँ एक्सपेंडर लगा हुआ है करेक्ट, तो एक्सपेंडर से हमें थोड़ा बहुत क्या होगा, वर्क मिल भी जाएगा, ठीक। तो आगे जरा देखो नेक्स्ट, इसको हम लोग बनाते हैं पीवी डायग्राम पे। तो देखो दो प्रोसेस तो हमको पता है, क्या एक है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन QR, और एक है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। इसलिए मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि पहले में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे वन से टू, फिर क्या करेंगे क्या कहते हैं एक्सपेंड करेंगे थ्री से फोर। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस बन गई है। वन से टू कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करेक्ट। तो चार प्रोसेस हैं सेम, मैंने डिफरेंस बताया कि एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि हमने थ्रॉटलिंग वाल्व की जगह क्या लगा दिया है, एक्सपेंडर लगा दिया, और क्यों लगाया है वो देखो रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं एयर, और एयर वर्क करता है एज एन आइडियल गैस, ठीक है। तो जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है तो उसके लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जीरो होता है, ये सर ने प्रूफ कराया होगा जब मैक्सवेल इक्वेशन लास्ट में करवाते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस समझ गए 1, 2, 3, 4 ठीक। अब इसकी जो है COP निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि इतने बड़े डेरिवेशन कराने का कोई फायदा है नहीं है, तुम लोग सब होशियार लोग हो कर ही लोगे। तो जो COP आती है वो क्या आती है, तो COP आएगी इसमें 1 अपॉन RP की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन, गामा और माइनस वन,
ये क्या है हमारी सीओपी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें, अगर वो देखना हो तो वो देख सकते हो। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये देख लो जो सही है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, अब देखो ये सुपर हीट रीजन, यहां पे तुम सारे फॉर्मूले लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एम डॉट सी पी और टी वन माइनस टी फोर, एम डॉट सी पी टी वन माइनस टी फोर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, ये एम डॉट से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हो जाएगा अपना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा, है ना। सिर्फ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सी पी टी वन माइनस टी फोर। ठीक है, वैसे क्या है, एच वन माइनस एच फोर ही होता है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी टी वन माइनस सी पी टी फोर, सी पी सी पी कॉमन आ जाएगा। अगर वर्क की बात करें तो इस केस में वर्क में थोड़ा सा बवाल है, कि मैंने कहा है वर्क हमें कितना मिलता है, वर्क इनपुट डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू आर। ठीक है, थोड़ा सा हमें एक्सपेंडर से वर्क मिल जाता है तो उसको हम घटा देते हैं, बाकी वर्क हमें क्या होता है करना होता है। ठीक है, नॉर्मली सवालों में हम लोग इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं इस वाले एक्सपेंडर वाले को, नहीं तो फिर इस तरीके से कर दो। तो देखो सिंपल सा कितना आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कौन सी प्रोसेस है कंप्रेशन की, वन से टू, और कौन सी है एक्सपेंडर की, थ्री से फोर। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन माइनस एच थ्री माइनस एच फोर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में, सी पी टी टू माइनस टी वन माइनस सी पी टी थ्री माइनस टी फोर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता है हमको और वर्क इनपुट पता है, इसमें मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पावर इनपुट आ जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, सीओपी के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट करोगे, दोनों फॉर्मूले रखोगे, सॉल्व करोगे। बहुत सारे हम लोगों ने इफिशियंसी और ये सब निकाले हैं, तो नॉर्मली सॉल्व करोगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक, तो इस वाले में तो देखो यार सिंपल, ये वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं, अभी हम लोग कल भी करेंगे इसी पे, उसके बाद भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही वाला फॉर्मूला ध्यान रखना जो लगता है ना, टी थ्री बाई टी फोर इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर इक्वल टू पी थ्री बाई पी फोर पी थ्री बाई पी फोर और गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये फॉर्मूला लगता है ना बीच बीच में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि रेफ्रिजरेशन के नाम पे इस फॉर्मूले से समझ लो गेट में एक या दो सवाल तो आते हैं हर साल हर पेपर में, एक दो तीन। ये यहाँ भी लगेगा, ऑटो डीजल साइकिल में भी लगेगा, ठीक है ना, और उसके बाद वहाँ पे गैस पावर साइकिल देखोगे तो वहाँ भी लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला फाइनल निकल के आता है, हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबा भी है, ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद रखना। अब देखो जरा आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी, आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर, एक्सपेंडर बोल दो या टर्बाइन बोल दो, बात एक ही है, एक्सपेंशन उसमें भी होता है इसमें भी होता है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा और उसी से दोनों के फॉर्मूले लिख दूंगा, करेक्ट। तो देखो डायग्राम मैं बना रहा हूं, वन टू थ्री फोर, ये अपनी सिंपल साइकिल है। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इसमें दिखा रहे हैं, जो रियल में होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो कैसे होगी, वो देखो ऐसे होगी, जब कंप्रेस करोगे और जब एक्सपेंड करोगे तो ऐसे होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको बोल दे रहे हैं हम लोग एच ये टू डैश और इसको बोल दे रहे हैं फोर डैश। तो जो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी होती है किसकी, कंप्रेसर की, ठीक है, कंप्रेसर की, वो क्या होती है हमारी, आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क, आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। तो आइसेंट्रोपिक वर्क कितना है इसमें, आइसेंट्रोपिक वर्क कितना है, एच टू माइनस एच वन
और एक्चुअल वर्क कितना है, एच टू डैश माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन और एच टू डैश माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन अपॉन एच टू डैश माइनस एच वन, आइसेंट्रॉपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। इसको जब टेम्परेचर में लिखोगे सी पी टी वन सी पी टी टू करके, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू डैश माइनस टी वन, करेक्ट। ये बात किसकी हुई, कंप्रेसर की। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, टर्बाइन की, तो क्या होता है टर्बाइन के लिए, क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रॉपिक वर्क। अभी देखो मैं इसकी जुगाड़ बताऊंगा एकदम मस्त, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। एक्चुअल वर्क, एक्चुअल वर्क कितना है, एच थ्री माइनस एच फोर, ठीक है, एच थ्री माइनस एच फोर डैश एक्चुअल वर्क, और आइसेंट्रॉपिक वर्क कितना है, एच थ्री माइनस एच फोर, एच थ्री माइनस एच फोर। तो जब इसको हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, टी थ्री माइनस टी फोर डैश अपॉन टी थ्री अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर। मैंने सी पी सी पी कैंसिल कर दिया है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ कौन सा बड़ा कौन छोटा, कन्फ्यूजन मत रखा करो, दोनों वैल्यू निकाल के देखो। ये तो निकालना ही पड़ेगा, एक बार इस प्रोसेस का डिफरेंस, एक बार इसका डिफरेंस, ठीक है। तो जो छोटा है ऊपर रख दो, जो बड़ा है नीचे रख दो, काम खत्म। जो छोटा है वो नीचे रख दो और जो बड़ा है वो ऊपर रख दो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। ये सब सही तरीका, एफिशिएंसी है, वन से कम होनी है, वन से कम होनी है, तो डिफरेंस देख लो डिवाइड कर दो उसके। अगर एक बार ऐसा करना सीख गए तो तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा कब एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क है और कब आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क है। अनुज कुमार, इफ वी टेक डब्ल्यू सी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी देन वी राइट सी पी डी टी। तो देखो लिया तो है एंथैल्पी के टर्म में, तो लिया था यहाँ पे, बताया नहीं था मैंने, एंथैल्पी के टर्म में तो चल रहे थे हम लोग, एंथैल्पी के टर्म में तो निकाला था, अगर याद हो तो एंथैल्पी के टर्म में तो निकाला था हमने, ठीक है। एंथैल्पी के टर्म में निकालने के बाद ही तो ये किया, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो पता नहीं कितना परेशान हो जाते हो यार। ये रिविजन चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, रिवीजन। तो रिवीजन तब होता है जब थोड़ी बहुत चीजें पहले से पता हो, है ना। रिवीजन क्या है, एक तरीके से जो छोटे छोटे मन में डाउट रह जाते हैं, एक डर रह जाता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और जो हमें पढ़ना है वो हम कैसे पढ़े, एक तरफ से यहाँ पे तीन घंटे में तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छे से खत्म हो जाएगा। अभी तक जो लोग पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि जहां अभी तक हम पहुंचे हैं वहां तक हम लोगों ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, बस थोड़ा तेज तेज किए हैं। ठीक है नरेंद्र, जो इस तरह के सवाल है तुम मुझसे पूछो, मैं यहां पे इतना टाइम दूं कि इसको पढ़ूं फिर समझूं फिर बताऊं। तो ये दोनों क्लियर है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, और ये दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ये दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जरा इसका ढूंढ लेते हैं और इसको लगा के देखते हैं कि काम बन रहा है। अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से जल्दी से, ठीक है, और हमारा काम भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्वेश्चन सबके सब वेपर कंप्रेशन से ही दे रखे हैं। चलो हम लोग देख लेंगे बाद में क्वेश्चन, अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, वो क्या है, वेपर, वैसे भी हम लोगों का टाइम हो रहा है, वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम,
ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो ये इन सब से हल्का है, हल्का इन द सेंस के वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद हम लोग चलेंगे साइकोमेट्री पे, ठीक है, साइकोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेम पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है, सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, बस यूज क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेसर हटा देते हैं, कंप्रेसर हटा देते हैं, ये क्या है कंडेंसर, ये क्या है एक्सपेंशन वॉल्व, और यहां पे क्या है एवेपोरेटर, यहां पे क्या है एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है, यहां पे एवेपोरेटर, यहां पे हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं किसको, कंप्रेसर को, और उसकी जगह तीन पार्ट्स लेके आते हैं, तीन पार्ट्स, ठीक है, एक होता है क्या ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एब्जॉर्बर, दूसरा होता है जनरेटर, और एक होता है पंप। एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर, जनरेटर, जनरेटर एंड पंप, एंड पंप, ये तीन पार्ट जो होते हैं कंप्रेसर की जगह आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम कंप्रेसर हटा के क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं एब्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बिंग डिवाइस, ठीक है, एक पंप और एक जनरेटर, ठीक। तो देखो इसमें होता क्या है कि NH3, इसमें रेफ्रिजरेंट क्या है NH3, NH3 क्या है अपना रेफ्रिजरेंट, करेक्ट, और रेफ्रिजरेंट है, और इसमें एक चीज और रहती है वो क्या होती है H2O, जो कि क्या बोलते हैं उसको, काम करता है उसको ले जाने लाने का, है ना, कन्वेयर टाइप से, तो क्या है H2O, यहां से हमारी NH3 निकलती है, NH3 इन वेपर, ठीक है, NH3 वेपर में निकलती है, यहां पे हम लोग कूल्ड वाटर डालते हैं, कूल्ड, एकदम कूलिंग कॉइल, कूल्ड वाटर, वो हीट एब्जॉर्ब करता है NH3 को, किसमें कन्वर्ट करता है लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट करता है टोटली लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने पंप लगा रखा है, पंप किसको हैंडल करता है लिक्विड को, उसका प्रेशर बढ़ाता है और कहां तक ले जाता है जनरेटर प्रेशर तक, ठीक है, कहां पहुंचाता है जनरेटर में, और जनरेटर में क्या लगा होता है हीट, एक्चुअली ये होते हैं सोलर वाले, ठीक है, तो यहां पे एक सोलर डिवाइस लगी होती है जहां पे सन एनर्जी निकलती है, और उस हीटर से क्या करता है ये वापस हीट होता है, जनरेटर में NH3 प्लस H2O, NH3 निकल गया, NH3 प्लस H2O पहुंचता है लिक्विड फॉर्म में और वापस हीट मिलती है, और जैसे ही इसको हीट मिलती है तो NH3 क्या होता है वेपराइज हो जाता है और वापस चला जाता है किसमें कंडेंसर में, और यहां से क्या आता है जो बचा कुचा लिक्विड होता है H2O हमारा क्या आ जाता है वापस आ जाता है, और जो वापस आ जाता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, कंडेंसर में जाता है, ये हीट क्या करता है रिजेक्ट करता है, ठीक है, और यहां पे क्या होती है हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है QA। तो देखो यहां पे बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक, एक हमको हीट कहां कहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो एक यहां पे हीट मिल रही है और एक जनरेटर में हम लोग हीट दे रहे हैं, यहां पे रिजेक्ट हो रही है, और NH3 की हीट कहां पे रिजेक्ट हो रही है यहां पे एब्जॉर्बर वाले। तो सेम फर्स्ट वाला ही अपना मेथड है, अब इसमें करना क्या है हम लोगों को कि COP निकालना है, क्या निकालना है COP। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन वाले सिस्टम होते हैं ये उन जगह पे लगते हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग या सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, तो उस टाइप की जगह पे लगा देते हैं, हिली एरिया पे या फिर रिमोट एरियाज पे, वहां पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा हाईली इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि इस पे, और रिलायबल बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसमें एज कंपेयर कंप्रेसर जो हाई स्पीड में चल रहा होता था, एक पंप ही लगा है वो भी छोटा, इतना हैवी नहीं, ठीक है, तो ये वहां पे यूज होते हैं। और अगर हम लोग इसकी COP की बात करें, ठीक है,
इसकी सीओपी की बात करें तो देखो इसकी सीओपी क्या होती है। एक तो देखो पूरा निकालने वाला इसका भी अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है, ठीक है, तो हम लोग वो नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ क्या बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक चीज तो यहां से समझ में आ रही होगी, एक इक्वेशन बनती है कि क्यू जी प्लस क्यू ऑब्जॉर्प्शन, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग आर ई, नहीं तो एब्जॉर्प्शन इसको भी बोल दिया, इसको भी बोल दिया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। क्यू जी प्लस आर ई, ये दोनों क्या हो रहे हैं सिस्टम में जा रहे हैं, और कौन कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यू आर जो कंडेंसर से रिजेक्ट हो रहा था और एक एब्जॉर्प्शन वाले से। तो ये जो होती है ये हीट की इक्वेशन होती है इसमें, ठीक है, और ये बहुत काम की है, ठीक। अब अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको डेरिवेशन है, इसका भी सॉल्व करना पड़ता है। सीओपी की बात करें तो सीओपी को याद करने का तरीका मैं बता सकता हूं, एकदम सिंपल है, जी ओ जी और इंटू आर ओ आर, आर ओ आर, ठीक है, जी ओ जी एंड आर ओ आर, ये होती है मैक्सिमम सीओपी। जी क्या है, जनरेटर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, ठीक है। ओ क्या है, ओ क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो बीच के प्रोसेस से मतलब नहीं है, ना कभी कुछ आया है ना कुछ, तुमको बस ये चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया है क्या है, जी ओ जी एंड आर ओ आर, जी ओ जी एंड आर ओ आर, बस तुमको पहचानना रहेगा कि कहाँ पे इसको लगाना है, तो लगाने का तुमको वैसे ही समझ में आ जाएगा जैसे वो जनरेटर का प्रेशर देगा, क्योंकि जनरेटर टर्म हमारा किसी और साइकिल में यूज नहीं हुआ है, जनरेटर सिर्फ यहीं पे यूज हुआ है। तो जैसे जनरेटर का टेम्परेचर मिले तो समझ जाना क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, ठीक है। इसीलिए इसमें उस तरह की इक्वेशंस नहीं बनती हैं कि हीट की इक्वेशन बने और हम लोग T1 T2 करके निकालें, सिंपल हम लोगों का इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का रेफ्रिजरेशन वाली तीनों साइकिल थी जो इम्पोर्टेंट वाली, वो हमारी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग उन साइकिल कंप्लीट करने के बाद देखो इसमें रहता है क्या, दो तीन चीज़ें और रहती हैं छोटी छोटी। एक क्या रहता है कि नॉमेनक्लेचर, जो R1, R1-2, R3, तो वो तो देखो यार निकालने वाला है तो याद कर लेना, नहीं तो निकाल लेना, दो फॉर्मूले होते हैं, करेक्ट। और उसके बाद एक रह जाती है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए देखो चाहिए बहुत टाइम, तो मैं इसका एक शॉर्टकट लिखा देता हूँ, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का एक शॉर्टकट लिखा देता हूँ रिविजन टाइप से ही, ठीक है, कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, Desirable properties of refrigerant, ठीक है, कौन सी लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कौन सी हाई होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी लो होनी चाहिए, कौन सी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये सब लो होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर कम होना चाहिए और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कम होनी चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड, ये क्या होने चाहिए, सब कम होने चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होना चाहिए और हीट ट्रांसफर कोफिशियंट हाई होना चाहिए, लेटेंट हीट हाई होनी चाहिए और कोफिशियंट ऑफ ठीक है लेटेंट हीट होनी चाहिए, कोफिशियंट ऑफ हीट एंड लास्ट में आ जाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी सारे कॉमन सेंस वाले होते हैं कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें ऑर्डर होना चाहिए ताकि लीक हो तो हम उसको पकड़ सकें, जैसे हमारी एलपीजी गैस होती है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होती है, हम लोग उसमें ऑर्डर ऐड करते हैं
ताकि कभी भी लीक हो तो हमें उसकी स्मेल आ जाए और हम पकड़ने की लीक हो रही है कि नहीं हो रही है। बात समझ में आई? देखो ये सारे पॉइंट हैं, तो फिर बताने में एक एक समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अभी इतना टाइम नहीं, हम लोग रिवीजन पे चल रहे हैं, तो अब तुम लोगों के पास भी टाइम नहीं, तो अगर क्विकली याद करना है तो ये पॉइंट याद रख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का कम होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर कम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड लिक्विड कम होना चाहिए, लेटेंट हीट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कोफिशेंट ऑफ हीट ज़्यादा होना चाहिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होना चाहिए, टॉक्सिक यानी कि जहरीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल होना चाहिए, इसमें जल्दी आग ना लगे, और उसमें ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर यानी कि अगर लीक हो तो हम उसको पकड़ने के लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नहीं अभी फिलहाल प्राइवेट नहीं होगा सेशन ये, ठीक, तो बात समझ गए, ये तो हो गई बात प्रॉपर्टीज की। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो हमारा 2 घंटे का टाइम था, तो ऑलमोस्ट 8 बज रहा है 8 बज रहा है, और हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया। देखो अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा चलते हैं इसके रेफ्रिजरेशन के। देखो क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है कि ये मान के चलो कि 80% चांस जो तुम्हारा है वो आएगा वेपर कंप्रेशन साइकिल से, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से, ठीक है, और उसमें जो सबसे ज्यादा तुमको परेशान करेगा, सबसे ज्यादा जो तुमको परेशान करेगा, ठीक है, वो इस तरह के सवालों से करेगा कि सवालों में ये दे रखा होता है, ठीक है, दे रखा होता है, ठीक, और ये S1 और S2, S2 देख के S1 निकालता है, S1 देख के S2 निकलवाता है, ठीक है, और इंथैल्पी, जो ये डाटा होता है ना, ये H1 और H2, H1, H2 और ये H4 या H3, ये जो निकालने के जितने भी मेथड हैं, वो एक बार कहीं अच्छे से लिख के अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। रीजन ये है, ये यहां पर भी काम आएगा और जाके तुम्हारे पावर प्लांट में भी काम आएगा और तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में तो काम आता ही आता है। तो ये जो है बस यहीं पे इंसान फंसता है, यहीं पे इंसान फंसता है, और फिर लास्ट में जाके फंसता है कहाँ पे, जब वो पावर इनपुट की बात कर रहा होता है या फिर किसी तरह की यूनिट में ही छेड़छाड़ कर देता है, ठीक है। और ये ध्यान रखा करो कि जब वो वॉट में चल रहा है तो मतलब रेट है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन का एक बच्चा निकाल के परेशान था कि सर हीट रेट क्या है, हीट रेट क्या है, तो जो किलो जूल पर सेकेंड है वो हीट रेट ही है, ठीक है, वो क्या है, हीट रेटी है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फंसने के चांस रहते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट सारे लिख लो, ठीक है। निकालने का तरीका सर ने प्योर सब्सटेंस वाले चैप्टर में सारे निकलवा रखे होंगे, बाकी तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि H2 इज्कल टू अगर मान लें HF प्लस एक्स HFG, यही वाला होता है ना, और सेम सिमिलर उसका होता है H2, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो कोई टू डैश पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, H2 वाला भी ऐसे निकालते हैं। तो X यहाँ पे, X की कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, X का क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, रैंकाइन पावर साइकिल में, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग टर्बाइन से एक्सपेंड कराते हैं तो जो हमारा एक्सपेंशन वाला जो पॉइंट होता है एग्जिट पॉइंट टर्बाइन का, वो हमारा लिक्विड वेपर वाले रीजन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सवाल हम लोगों ने किया अभी तक, यहाँ पे नहीं निकालते, यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे तो हम लोग सुपर हीटिंग करके, हीट एक्सचेंजर लगा के इनपुट को कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, सुपर हीटेड रीजन में कंप्रेसर के, क्यों, ताकि हमारा कंप्रेसर डैमेज होने से बच जाए, लिक्विड का एक भी पॉइंट उसमें ना जाए। बात करेक्ट, यहाँ तक की बात समझ गए? तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में ध्यान रखना, यही सब फंसते हो, मैंने लगभग सारी यूनिट बता दी है कि कैसे कहाँ पे आ रही है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाली हो चाहे फिर स्टार्टिंग वाली हो, तो ठीक है, इसको भी रिवाइज कर सकते हो। बाकी डे आवर, ठीक है, किलोवाट आवर में पूछ लेता है एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, डे में पूछ लेता है कि कितने किलोवाट पर डे हो रहा है, तो वो ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो क्या है अपना। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट चैप्टर एक क्वेश्चन जरा लगा दो, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको जरा सॉल्व करो।
देखो ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर ये लगाओ 14, इजी है, क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ, 2015 वाला 14, क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ। ठीक है, तुम लोग एक क्वेश्चन लगाओगे, इजी सा है, मैं तरह शांति ले लूंगा 2 मिनट की, करेक्ट। आंसर आ गया 44 का। आंसर आ गया 44 का। वेरी गुड, मतलब कुछ लोग तो लगा रहे हो कैलकुलेटर लेके। बस 2 मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, साइकोमेट्री। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, और तुम लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे थे सारे बच्चे लोग क्वेश्चन में कि कब कौन सी हीट डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया, कब क्या हो गया। ये क्वेश्चन भी लगा लो यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन एक बढ़िया है। दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन लगा लो, इसमें SFHG का यूज हो जाएगा, तो मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा एक सवाल बता के कि कैसे इसको लगाना होता है। कॉमन डाटा क्वेश्चन है 2012 का, IIT दिल्ली का। और इस तरह का ही क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांस है। ये क्वेश्चन और लगा लो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 कॉमन डाटा क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगा लिया मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके अलावा इसके बाहर से कुछ नहीं जाने वाला।
सॉल्व करो जल्दी। किसी को सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12? आंसर बता दो जल्दी से। 12 का सी, 12 का सी। ट्वेल्थ का सी थोड़ी है यार। हाँ ट्वेल्थ का सी है। और 11 का ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड, कुछ लोगों ने लगा लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या क्या रहा है कि ए रेफ्रिजरेशन ऑपरेट्स बिटवीन 120 किलो पास्कल एंड 800 किलो पास्कल इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ रेफ्रिजरेशन कितना दे रखा है 134 ए एज द रेफ्रिजरेंट। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अपना। कह रहा है कि रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर पे इंटर करता है, करेक्ट, और लीव द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये अपनी साइकिल तो ये है, वन टू थ्री एंड फोर। प्रेशर दे रखा है कितना इसका 800, इसका दे रखा है 120, इसका दे रखा है 800, इसका दे रखा है 120, 800 120 ये अपनी बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस टेबल दे रखी है, वैल्यू निकाल के आंसर सॉल्व कर देना है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या पूछा है, द पावर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेसर इन किलोवाट्स इज, ठीक है, और दे रखा है द रेट ऑफ विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द रेफ्रिजरेट स्पेस। ठीक है, तो और किसी ने लगाया है और किसी ने सॉल्व किया है, जल्दी बताओ। तो पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम डॉट एच टू माइनस एच वन, एम डॉट एच टू माइनस एच वन, और एम डॉट हमें सवाल में दे रखा है 0.2 के जी पर सेकेंड। एम डॉट हमें सवाल में दे रखा है 0.2 के जी पर सेकेंड। अगर पावर इनपुट की बात करें तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, एम डॉट एच टू माइनस एच वन, ठीक है, सेचुरेटेड के लिए दे रखा है 800 किलो पास्कल पे, ये करेक्ट सैचुरेटेड के लिए, और सैचुरेटेड के लिए दे रखा है ये 180 पे और इस पे, करेक्ट। तो टेम्परेचर भी दे रखा है इधर, तो अगर हम लोग चलें कहाँ पे, तो जरा मुझे पिछले कितने लोगों ने सॉल्व किया है, 276, H2 कितना हो जाएगा,
H2 कितना हो जाएगा, ठीक है, H2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H2, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड रीजन में दे रखा है। ये दोनों टेम्परेचर कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है -22 और ये दे रखा है 31.31, ठीक है, और ये दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये रहा होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो कितना है H2, 276.45 माइनस 237, तो पावर इनपुट कितना आ रहा है, पावर इनपुट आ रहा है हमारा 7.9 किलोवाट। और अगर हम लोग बात करें किसकी, हीट रेट की, तो QR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, QA हीट एक्सट्रैक्टेड इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, तो रेफ्रिजरेटेड स्पेस हमारा कहां पे, यहां पे होगा, यहां से खींच रहा होगा, करेक्ट। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, m डॉट h1 माइनस h4, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m डॉट h1 माइनस h3, क्यों, क्योंकि ये तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, इसके लिए क्या होता है h3 इक्वल टू h4, यही मैं बता रहा था, बस यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है, h3 इक्वल टू h4। तो h1 दे रखा है हमारा कितना, h1 दे रखा है हमें इतना hg, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे h फ्लूड 95.5, कितना दे रखा है 95.5, तो 237 माइनस ये कितना हो जाएगा, m डॉट 0.2 237 माइनस 95 दे रखा था ना, 95.5, तो वैल्यू कितनी आ रही है 95.5 के हिसाब से, क्यू एब्जॉर्प्शन ये कितना आ रहा है हमारा 28.3 किलो जूल पर सेकेंड, 28.3 किलो जूल पर सेकेंड। अब देखो ये आया है गेट 2012 में सवाल, इससे पहले भी हम लोगों ने पहले एक सवाल लगाया था, एक इससे पहले तो सिंपल वाला ही था। तो देखो टेबल दिखा के सिर्फ डरा रहा है, दो सवाल दिए हैं, हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला होता है, उठा के रखो और आंसर एक मिनट में आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये मिसप्रिंट है जो मैंने अपनी बुकलेट से लिया है, गलत लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। ये जो है सुपर हीटेड टेबल है, जो गेट में क्वेश्चन आया था उसमें सुपर हीटेड ही था, ठीक है, इन्होंने गलत टाइप कर रखा है, सैचुरेटेड से कोई मतलब नहीं बनता है, क्या क्या था, सुपर हीटेड, ठीक है, इसको काट के कर लो, क्या सुपर हीटेड, चिंता ना करो बेटा, गेट में कोई भी सवाल आएगा ना तो इस तरह का कंफ्यूजन कोई वो नहीं देगा तुमको, ठीक है। तुम्हें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और साइकिल का डायग्राम रटा होना चाहिए, साइकिल के डायग्राम का ये फायदा होता है ना कि जैसे ये साइकिल का डायग्राम है, दोनों डायग्राम, ठीक है, तो हमको पता है कि क्या है, क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, कंप्रेसर का इनपुट है, ये क्या है, कंप्रेसर का आउटपुट है, ये कंडेंसर का आउटपुट है और कंडेंसर का इनपुट है, और ये क्या है, एक्सपेंशन वाल्व का इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये एवेपोरेटर का इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये पॉइंट जो है ना 1 2 3 4 ये याद रहने चाहिए, बाकी सवाल आराम से लग जाएगा, चाहे TS डायग्राम खींच के लगा लो, चाहे PS डायग्राम खींच के लगा लो, दोनों से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट हो गया खत्म, अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशनिंग की मैंने डेफिनेशन बताई थी, क्या है, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो हम लोगों के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एयर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर कंफर्टेबल की बात करें तो टेम्परेचर कितना होता है, 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 50 से 60%। ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। तो देखो एयर कंडीशनिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा साइकोमेट्री, ठीक है, साइकोमेट्री चार्ट और उसकी प्रोसेस, जो हमारे सिलेबस में, एयर कंडीशनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है कि एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस कैसे होती है, विंटर एयर कंडीशनर, समर एयर कंडीशनर, एयर वाशर, एयर कूलर, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज,
ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और हमारे पास साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस जो हमारे सिलेबस में है, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से। तो साइकोमेट्री है क्या, साइकोमेट्री है क्या, अगर हम लोग बात करें ठीक है, साइकोमेट्री है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो जो डील करती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर क्या होती है, देखो अब ध्यान से थोड़ी देर सुनते रहना, सबको सबसे आधे लोगों को पहले से आता होगा लेकिन देखो बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। मॉइस्ट एयर होता है एयर, ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर, वाटर वेपर का मिक्सचर। अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी अदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, जो भी होते हैं, ठीक है, सारे होते हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो यही होता है। और ये होता है क्या, वाटर वेपर। अगर हम लोग बात करें इसके प्रेशर की, तो जो टोटल प्रेशर होता है पीटी, वो बराबर होता है किसके, पीए, ड्राई एयर का प्रेशर, प्लस पीवी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। भाई ये डाल्टन वाला जो लॉ लगने लगता है कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर जो भी जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबका प्रेशर जोड़ दो तो टोटल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, प्रेशर की। तो ध्यान रखना, अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो कॉमन सेंस वाली, पहली कॉमन सेंस की चीज ध्यान रखना कि इसका प्रेशर होता है अराउंड 3 kPa, 3 kPa। और हमें पता है कि टोटल प्रेशर कितना होता है एटमोसफियर इसका, अराउंड 101 kPa। ठीक है, तो वाटर वेपर का कितना होता है, अराउंड 3 kPa, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, और जो वाटर वेपर रिप्रेजेंट होती है किसमें, एयर में, वो होती है सुपर हीटेड कंडीशन में। किस कंडीशन में, सुपर हीटेड में, सुपर हीटेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पीवी इक्वल टू आरटी वाले सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ गए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से कि है क्या मॉइस्ट एयर में, क्या नहीं है। इसके बाद देखो टेम्परेचर होते हैं, कुछ 3 टेम्परेचर होते हैं, एक होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर और एक होता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या होता है और वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों में डिफरेंस एक साथ ही देख लेते हैं तो कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आंसर निकाल रहे हो और कभी आ जाए 50 kPa पार्शियल प्रेशर ऑफ वेफर, तो वहीं सरेंडर हो जाना। ठीक है, कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट रियल वैल्यू के आसपास ही बनते हैं, तो इसी के आसपास वैल्यू करेगा। और ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब देखोगे सैचुरेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग की लिस्ट मिल जाएगी तुमको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, 0 degrees पे कुछ 0.34 kPa कुछ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना नॉर्मल एटमोसफेयर टेम्परेचर में अराउंड क्या कहते हैं 24-25 degrees के आसपास 3 kPa ही होता है। ठीक, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जो हमारा थर्मामीटर है, ये हमारा बढ़िया सा थर्मामीटर है, देखो नीचे इसके बल्ब लगा हुआ है जहाँ से मेजर करता है, यहाँ पे मरकरी वर्की जो भी भरा हो। ठीक है, तो जब हम लोग नॉर्मल एयर में रख देते हैं जो टेम्परेचर मेजर करता है वो क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सिंपल। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि ये हमारा थर्मामीटर है, अब ये जो बल्ब था, ठीक है, इसको हमने कवर कर दिया एक वेट क्लॉथ से, वेट क्लॉथ से हमने इसे कवर कर दिया है, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एयर सप्लाई कर रहे हैं, एयर स्पीड 5-10 meters per second से करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही सप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे ही एयर सप्लाई करोगे तो जो वेट क्लॉथ है उसमें जो लिक्विड है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, सूखेगा ना, इवेपोरेट होगा। तो जब इवेपोरेट होगा तो हीट कहाँ से लेगा, हीट लेगा जो बल्ब है उससे। तो जैसे ही बल्ब, जो अंदर जो बल्ब लगा हुआ उससे हीट लेगा, तो जो टेम्परेचर था उसकी स्केलिंग जो क्या होगा, उसकी रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से।
और अगर इसके आसपास वेट क्लॉथ के आसपास एयर हमने सैचुरेटेड रखी है, देखो इवेपोरेट हो रही है यानी कि लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और कहां जाएगा आसपास की एयर में, फिर चला जाएगा। अगर आसपास सैचुरेटेड एयर है तो हम कितनी भी एयर भेजते रहे, कितनी भी एयर भेजते रहे, क्या इवेपोरेट होगा? जब जगह ही नहीं है वहां जाने के लिए वाटर वेपर की, तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं, तो ये टेम्परेचर क्या रहेगा एग्जैक्ट? यानी कि हम जब भी हम बोलते हैं कि सैचुरेशन एयर के लिए, सैचुरेटेड एयर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, कि सैचुरेटेड एयर के लिए डब्ल्यू बी टी इज्कवल टू क्या होता है डीबीटी, ठीक है। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है जब हम लोग नॉर्मली मेजर करते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, डब्ल्यू बी डी वेट बल्ब डिप्रेशन डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट मेरा समझ गया होगा, क्या बात थी, सिंपल सी बात थी, हमने वेट क्लॉथ को लगाया है, एयर की सप्लाई कर रहे हैं, तो लिक्विड एवेपोरेट होगा, लिक्विड एवेपोरेट होने के लिए वो हीट कहीं से लेगा, हीट कहाँ से लेगा, हीट लेगा वो तो अंदर बल्ब है, जब बल्ब से हीट लेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट। इसके बाद होता है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है, ठीक है, जहां पे हमारा वाटर वेपर जो होता है एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर है वो क्या होती है, स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे नहीं होता कि हम लोग कभी जाते हैं कुछ ठंडी चीज जाके रखो तो आसपास क्या होता है कि उसमें ड्रॉपलेट जम जाती है ना लिक्विड की, वाटर की, तो वो क्या है कि वहां पे जो टेम्परेचर रहा होगा उसका, जो भी तुम कॉइल को ले गए जो भी ले गए उसका टेम्परेचर रहा होगा इससे कम, तो उसने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है लिक्विड में, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ गए कि जहां पे हमारा वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में वो क्या हो जाए, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये हमारे तीन टेम्परेचर थे, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। टेम्परेचर हो गया साइकोमेट्रिक जो यूज होने वाले, एक आ गया साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे पहली होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है ह्यूमिडिटी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमिडिटी रेशियो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, अभी नहीं समझोगे प्रॉपर्टीज कहां पे क्या कहते हैं तो बाकी हम जब प्रोसेस बताएंगे तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो, करेक्ट। ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से, करेक्ट। ओमेगा ये क्या होता है, एम वी अपॉन एम ए मास ऑफ वेपर, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ एयर, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेंट है कि कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है हमारे पर केजी ऑफ ड्राई एयर में हमारे कितना वाटर कंटेंट, ठीक है। यूनिट क्या होती है, केजी वेपर पर केजी ड्राई एयर, ठीक है, यानी कि सिंपल है, हमारे पास कोई 1 किलो मास है एयर है, उस ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखो, चूंकि दो सब सुपर हीटेड रीजन वाले हैं तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पीवी इज्कवल टू एमआरटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग मास ऑफ वेपर निकालें और मास ऑफ एयर निकालें तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो हम लोग ये जो सैंपल ले रहे हैं एक नॉर्मल एयर में ले रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, प्रेशर दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही एरिया में फैले हुए हैं ना दोनों, एक स्पेस ले रहे हैं हम लोग, एम ए एंड एम वी, करेक्ट। तो जो फॉर्मूला लग के आएगा ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी
ठीक है, पीवी अपॉन आर वी, पीवी अपॉन आर वी, पीवी अपॉन आर वी, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो मैंने हटा दिया। यहां से एम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पीवी अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये दोनों मैंने पहले ही हटा दिए क्योंकि जरूरत नहीं है, कट जाएगा। अब अगर एम, ये एम ए की, एम वी की वैल्यू, एम ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन आर ए, यहां पे जो आया होता कैंसिल हो जाता, मैं लिख दे रहा हूं मैं वी इंटू टी, वी बाई टी, वी बाई टी, वी बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इतना ही आने वाला है, इतना ही आने वाला है। और हमको पता है कि आर ए की वैल्यू जो होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है आरडॉस अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, मॉलिकुलर वेट। तो वेपर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, वेपर का मॉलिकुलर वेट होता है हमारा 18 और एयर का होता है 29, इसका कितना होता है 18 और इसका कितना होता है 29। तो जब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दोगे दोनों की, तो जो हमारा फॉर्मूला आता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी अपॉन PA, ठीक है। और हमें पता है सबसे पहले हमने पहले पेज में निकाला था PT इक्वल टू क्या था, PA प्लस PV, तो यहां से अगर हम PA की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV, ठीक है, PT माइनस PV। और यहां पे देखो एक दूसरी सबसे खतरनाक चीज आ गई है, वो क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है, ये तो टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता है लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो एटमॉस्फेयर का चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे वेपर का कंटेंट बढ़ेगा घटेगा तो ये चेंज होगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ओमेगा जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे सवाल आए हैं गेट पे, बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो ज्यादा जल्दी से मुझे बताओ, तो मैं इसमें एक आध पॉइंट और बताऊं, ठीक है, एक आठ पॉइंट और बताऊं और फिर मैं आगे बढ़ूं। मैंने कुछ नहीं किया है यार, यहां से मैंने एक मास निकाल दिया है एयर का, है ना, और मास निकाल दिया है वेपर का। वी और टी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर रहेगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी दो चीजें रहेंगी तो वो ये है, आर का फॉर्मूला ये होता है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट वाटर का, वेपर का 18 और इसका 29, उसकी जब वैल्यू रखोगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। और हमने पी ए को जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर था उसको, ड्राई एयर था, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टोटल में, तो रख दिया ये कांस्टेंट रहेगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर पे। भाई देखो कैसे, अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, एक एयर का ये सैंपल है, मान लो हमने एक एयर, एक एरिया ले लिया इसमें से, उसमें अगर हम वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ाएं या घटाएं तो भाई प्रेशर चेंज होगा, करेक्ट, लेकिन टोटल एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होगा क्या, बताओ, टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट जब तक कि हम लोग प्रोसेस वो एरिया ही चेंज नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का। इसके बाद जो सेकेंड टर्म आता है, यहां तक की बात क्लियर है, तुम लोग कुछ बता नहीं रहे हो, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा जो दूसरा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसमें तो भाई आधे ढेर हो जाते हैं ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, और सिंपल कुछ नहीं होता है, एमवी अपॉन एमवीएस, मास ऑफ वेपर और मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 1 kg एयर है तो उसमें मान लो 10 ग्राम वेपर प्रेजेंट है, तो उसमें 10 ग्राम अभी प्रेजेंट है, ठीक है, और कितना और उसमें हम ऐड कर सकते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेशन, तो जितना हम लोग ऐड कर सकते हैं वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसी का रेशियो है, ये बता रहा है एमवी अपॉन एमवीएस। यानी कि ये एक तरीके से बताता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक एयर ले रखा है, एक एयर का सैंपल ले रखा है, उसमें 50 ग्राम्स क्या है, वाटर वेपर है, और उसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 ग्राम हो सकती है,
यानी रिलेटिव इम्यूनिटी कितनी आई है 50%, यानी कि अभी 50% का स्कोप है, 50% अभी अपने पास वेपर प्रेजेंट है उस एयर में, अभी 50% और उसमें हम वाटर वेपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 40 ग्राम है और मैक्सिमम कितना है 100, ठीक है, तो कितना हो गया 40%, तो ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है कि 40% उसमें अवेलेबल है, रिलेटिव इम्यूनिटी कितनी 40%, यानी कि जो अपना सैंपल है उसमें 40% वाटर वेपर अवेलेबल है, 60% का क्या है और ज्यादा स्कोप है ऐड होने का, समझ रहे हो ना। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और जो हमें ओमेगा बता रहा था, ओमेगा हमें सिर्फ बता रहा था क्या, MV/MA, ओमेगा क्या बता रहा था हमको, MV/MA, यानी कि ये बता रहा था कि हमारे एयर में कितना वाटर कंटेंट है, वाटर वेपर कंटेंट है। तो जो ओमेगा बताता है हमको क्या बताता है, वाटर वेपर कंटेंट, और ये हमें क्या बताता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये हमें बताता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो ये बात हो गई किसकी, अब जब भी क्या होगा कि फाई की वैल्यू होगी 100%, फाई की वैल्यू होगी 100%, दैट सिंपली मींस कि अपना जो एमवी है वो एमवीएस के बराबर है, ठीक है, यानी कि हम लोगों की जो एयर है वो सैचुरेटेड एयर है, ठीक है। तो सैचुरेटेड एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 100%, सैचुरेटेड एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी होगी 100% होगी, ठीक है। और सैचुरेटेड एयर के लिए हमारा क्या होगा, पाई की वैल्यू 1 हो गई, और ध्यान रखना कि सैचुरेटेड एयर के लिए WBT = क्या होगा, DBT, ठीक है। मैं बताया जब सैचुरेटेड एयर है तो उसमें कोई वाटर वेपर ऐड ही नहीं कर सकते हो, तो जो टेम्परेचर मेजर करोगे, बताया था ना कि वेट बल्ब के आसपास अगर सैचुरेटेड एयर है तो कुछ भी इवेपोरेट होगा ही नहीं उसमें, तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, वही हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, वही हमारा क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, बात अच्छे से क्लियर हो गई, तीनों में कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत हो तो अभी मुझे पूछो इसमें, क्योंकि इसी में डाउट रहता है, यही दो तीन चीजों में कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या क्या, कैसे कहानी क्या हो गई, तो कुछ हो नहीं गया है, सिंपल बताया ना मैंने कि ये बताता है वाटर वेपर कंटेंट और ये बता रहता है मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। जब सैचुरेशन है तो जब सैचुरेशन मैंने बताया ना कि जब सैचुरेटेड एयर है अपने पास, क्या है, जो हमारे पास सैचुरेटेड एयर है तो जो हमारा थर्मामीटर होगा, ठीक है, उसके आसपास की एयर क्या होगी, सैचुरेटेड है। तो वेट क्लॉथ तुम अगर लपेट भी दो उसके ऊपर, अगर वेट क्लॉथ लपेट दो और एयर सप्लाई करो, तो क्या इसमें से वाटर वेपर इवेपोरेट होगी, जब नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है आसपास, तो जब इवेपोरेट ही नहीं होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या, ना, टेम्परेचर वही रहेगा, यानी कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो अपनी है, टेम्परेचर हो गए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर ये याद रखना है, ये काम का है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, इस साल यहीं से क्वेश्चन आएगा, मॉइस्ट एयर, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर क्या होता है, MV + MA, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें इंथैल्पी के टर्म में तो HV + HA, वेपर की इंथैल्पी और एयर की इंथैल्पी। अगर हम लोग एयर की इंथैल्पी की बात करें HA, तो इसका जो क्या होती है CPdT होती है, तो हम लोग आर्बिट्री मान लेते हैं जीरो, तो फॉर्मूला क्या जाता है CPT, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इंथैल्पी मान लेते हैं जीरो, तो CP∆T होता, तो आ जाता है CPT। इसमें यह याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी है 1.005, और ये किसमें है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ये किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, और क्या है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, पहला फार्मूला याद रखना है ये हमको, ठीक है। देखो यही फार्मूला है यार, CPdT है ना, CPdT, CP और T2 - T1, और हमने 0 डिग्री पे मान लिया, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मान लिया, एंथैल्पी क्या है किलो जूल पर केजी, 0 किलो जूल पर केजी, तो 0 डाल दोगे तो क्या जाएगा CP2, ठीक है, तो वो आ गया CP2, करेक्ट। अगर हम लोग वेपर पे बात करें HV, इंथैल्पी ऑफ वेपर, ठीक, तो इंथैल्पी ऑफ वेपर क्या हो जाती है 2500 प्लस
प्लस 1.88 टी क्या है डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी, ये क्या है वेपर की इंथैल्पी। ठीक है, ये कैसे होती है कि अगर हम लोग बात करें वेपर अपनी कहाँ होती है, इसको भी मैं बता देता हूँ यार, तो तुम लोग खामखां कंफ्यूज होगे। ठीक है, अगर हम लोग वेपर की बात करें तो वेपर मैंने बताया था कहाँ होती है, ये अगर वो है तो यहाँ सुपर हीटेड रीजन में होती है। ठीक है, तो सुपर हीटेड रीजन की अगर निकालनी है तो सिंपल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट कितनी है 25,000, और इसको क्या मान लिया हम लोगों ने ये 1.88 T, ये क्या हो जाएगा सीवी सीपीवी, ठीक है ना, टी माइनस जीरो सीपीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो टी माइनस जीरो, तो हमने जीरो पे जीरो मान रखी है एंथैल्पी, और तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल जाएगी, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। करेक्ट, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होती है टीएस डायग्राम में, यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है ये, और ये क्या है तुम्हारी वेपर की मिल गई, और जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है कि एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या हो जाती है सी पी ए टी प्लस ओमेगा 2500, ठीक है, प्लस 1.88 T। तो जो चीज़ें ध्यान रखनी है हमको, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट, ये भी सेम है, ये क्या है 1.005, ये क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये तीन फॉर्मूले हमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, चाहे जैसे याद रखो। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आ गई तो बोलो जल्दी से, अरे बोलो। देखो, जिन्होंने थोड़ा सा भी पहले सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने वैसे भी काफी ज्यादा बता दिए हैं कि कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, वाटर वेपर अपनी क्या होती है सुपर हीटेड रीजन में, तो लेटेंट हीट 2500, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये एंथैल्पी, तो ये एंथैल्पी कितनी होती है सीपीवी T1 माइनस T2 टेम्परेचर, T2 माइनस T1, तो इसको मान लिया आर्बिट्री वाली को हमने जीरो, तो जो यहाँ पे वैल्यू है उससे कर लेंगे काम। आगे देखो, ये सिंपल इस तरीके से हमने इसको निकाला था, तो यहाँ पे हमारी एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकल आई है। अब एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो किसी कोई दिक्कत है, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो मैं बता दूंगा नरेंद्र, तुम परेशान मत हो, ठीक है, वो परेशान मत हो, मैं बता दूंगा कि किस पे निकालते हैं किस पे नहीं निकालते हैं। इसके बाद एक टर्म होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 0.622 पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी, और ध्यान रखना ये पीवी पीवी जब ओमेगा एस में लिखेंगे तो सेचुरेशन पार्शियल प्रेशर वेपर डाल देंगे सेचुरेशन वाला, पीवीएस पीवीएस, तो जो फाइनली वैल्यू फॉर्मूला आता है हमारा इसका म्यू का, वैल्यू रखोगे 0.622 कट जाएगा, तो फॉर्मूला आता है अपना पीवी अपॉन पीवीएस, पीवी अपॉन पीवीएस, ठीक है, इनटू पीटी माइनस पीवीएस अपॉन पीटी माइनस पीवी। अरे वही सिंपल, दोनों को रख रखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है फाइव, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव ब्रैकेट में पीटी माइनस पीवीएस डिवाइड बाई पीटी माइनस पीवी। ठीक है, तो देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, ये एक टर्म है जो हमको अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, अलग अलग वैल्यूज देती है, न्यूमेरिकल में काम आ सकती है कि कभी वो पूछ ले कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, या फिर ठीक है हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राई एयर डिवाइड बाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राई एयर एट सेचुरेशन कंडीशन। तो यहां से यह हमारा पीवी 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 वाला काम खत्म हो गया है, पीवी वाला काम खत्म हो गया है। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखो सारी पढ़ ली हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अभी भी किसी को, कोई डाउट हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तुम उससे पूछ लो अभी, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और देख लो,
नरेंद्र देखो पूछ रहा है तो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये काम का है कि जो ड्राई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो देखो कोई अगर एयर अपनी यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे है तो सैचुरेटेड नहीं है, अगर यहां पे वाटर वेपर है तो सैचुरेशन नहीं है, तो कुछ प्रेशर होगा पीवी। अगर इसको हम जाएं कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींचें तो कुछ इस हिसाब से बनेगी, बनेगी ना। और अगर हमें चाहिए हो इस पार्शियल प्रेशर वेपर पे सैचुरेशन टेम्परेचर, तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, यही होगा भाई इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो ड्राई वाला टेम्परेचर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट पे इस प्रेशर पे हम लोग देखेंगे क्या सैचुरेशन प्रेशर, तो वो क्या होगा सैचुरेशन प्रेशर, सॉरी सैचुरेशन टेम्परेचर, तो क्या होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं ध्यान से, ध्यान जब हम लोग डीबीटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, तो मिलता है हमको पीवीएस, पीवीएस। और जब हम लोग डब्ल्यू बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है पीवी। देखो कैसे, जब पीवी कॉन्सेंट हमने रखा है तब हमको मिला है सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोग इधर पे चले जाएं, अगर कोई कहे कि नहीं ये वाला सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है, कोई होशियार बोले कि ये वाला सैचुरेशन टेम्परेचर है, तो भाई कहां से है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर है क्या, नहीं है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू पीवी सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और करस्पॉन्डिंग टू पीवीएस सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सब लोगों को क्लियर है, एक लोगों को क्लियर नहीं है, वो कह रहे हैं एक बार सर, ठीक है। तो यार देखो बहुत सारी चीजें, कोई एक पॉइंट बताओ तो मैं उसको डिफाइन कर दूं। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ध्यान रखना। देखो आंख बंद करके रट लो क्या कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दे रखा होता है वो होता है पीवीएस, और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग दे रखा होता है वो क्या होता है पीवी। इसको भूलना नहीं है, कभी गलती ना हो जाए, वैसे तो इतना कंफ्यूज नहीं कराते हैं एग्जाम वाले, लेकिन मान लो कभी करवा दें, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत से एक बार देख लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मॉइस्ट एयर में दो होते हैं, एक होता है वाटर वेपर, एक होता है एयर। एयर में भी बहुत सारे कंपोनेंट है, उससे लेने देना नहीं हमको, ठीक है। तो जो वाटर वेपर है उसका पार्शियल प्रेशर है पीवी, और जो एयर का है उसका है पीए, और दोनों का समेशन है वो क्या है टोटल प्रेशर पीटी, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखे टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो हम लोग सिंपल नाप लेते हैं, एक देखा वेट बल्ब टेम्परेचर जब हम लोग क्लॉथ डालते हैं, तो क्लॉथ डालने के बाद एयर सप्लाई करते हैं तो वाटर वेपर इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होती है तो टेम्परेचर कहां से लेती है बल्ब से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो टेम्परेचर गिर जाता है उसको बोलते हैं हम वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर सेम है टेम्परेचर गिरा रहे हैं, तो जैसे ही हमारी वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, इस समय भी हम लोगों के आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट है, जिसको अगर देखना है चेक करके, तो वो एकदम से ठंडा सा ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ बाहर रखो, तो देखो आसपास उसके थोड़ा सा पानी जैसा जम जाएगा ना लिक्विड, तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो गई उससे लग के, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहा होगा कोल्ड ड्रिंक का, तो वहां पे क्या हो गई है कंडेंस हो गई है। उसके बाद हमने देखा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो क्या है, एम वी अपॉन एम ए, यानी कि कितना वाटर वेपर का कंटेंट है पर के जी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर एट सेचुरेशन कंडीशन, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, उसके बाद इंथैल्पी देखी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कुछ नहीं है, सिंपल ओमेगा क्या है अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिवाइड बाई ओमेगा एस, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या सैचुरेशन कंडीशन, यानी कि ओमेगा क्या बताता है, वाटर वेपर का कंटेंट बताता है, यानी कि नॉर्मल वाटर वेपर का कंटेंट कितना है डिवाइड बाय मैक्सिमम वाटर वेपर का कंटेंट कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोला है प्रेशर के टर्म में, क्योंकि पीवी में फॉर्मूला होता है ना, उसी क्या बोला हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब हम लोगों ने प्रोसेस देख ली है
साइकोमेट्रिक प्रोसेस देख लिए हैं, और प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, तुम लोग सब लोग बहुत होशियार हो, एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं तुम लोगों से लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा देखेंगे, नहीं तो फिर नहीं देखेंगे, करेक्ट। यार कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढना, अगर मजा आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन लगाओ 2015 गेट वाला, इसी तरह का क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है साइकोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 17 2015 आईआईटी कानपुर, ये क्वेश्चन लगाओ बस, फिर हम लोग आगे चलते हैं। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेस से, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाओ, छोटा सा है, 2 मिनट में लग जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूले का प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर्मूले की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वैरायटी का आए हुए हैं साइकोमेट्रिक से, पीवीपीएस दे दे के पूछता रहता है, तो आंसर बताओ जल्दी से। ये तो मिक्सिंग वाला है, मिक्सिंग वाला कर पाओगे तुम लोग? ये वाला तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है अभी, ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो, अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे मिक्सिंग वाला, उसके बाद लगा लेना, ठीक है। MBA कुछ नहीं होता है, जो दो स्ट्रीम मिक्स करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट, तब लगा लेना। मैंने देखा ही नहीं, मैं जरा पानी पी रहा था, ठीक है।
हम लोग ये वाला लगा लेते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट ही पढ़ते हैं, अब लगाने वाला काम छोड़ते हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं बचेगा। हाँ नरेंद्र नहीं होगा वो, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी मिक्सिंग तो बढ़ाई नहीं है, और तुम लोग पुरानी पड़ी हुई भूल गए होगे कि दो स्ट्रीम को कैसे मिक्स करते हैं, तो वो अभी आएगी, एयर को कैसे स्ट्रीम करना है, कैसे मिक्स करते हैं, क्या बाईपास फैक्टर होता है, क्या सेंसिवलिटी फैक्टर होता है, तो वो अभी आएंगी ना, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरी गलती है मेरी कि मैंने उसको क्वेश्चन को अभी दे दिया। आंसर बेटा कितना है मैं अभी बता दे रहा हूँ, आंसर जो है वो है 0.02, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपने, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। मैट्रिक प्रॉपर्टीज देखो जी, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा होगा कि वो पीवी जो होता है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका क्रिटिकल जो भी होता है, क्या होता है कि सैचुरेशन वैल्यूज जो होती हैं ना, अगर हम लोग क्या कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता है। तो जब सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम लोग जब उन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर की, तो एक कर्व मिलता है, ठीक है, एक कर्व मिलता है, उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कर्व, ठीक है। ये होता है फाई इज इक्वल टू वन पीवी, और ये रहा टेम्परेचर, ठीक है। एक रीजन ये होता है और एक रीजन ये होता है, एक रीजन ये होता है। इस रीजन में जाओगे तो हमेशा किसी भी प्रेशर पे जो वैल्यूज होंगी, जो वैल्यूज होंगी टेम्परेचर की, वो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा होंगी, क्योंकि ये इतना है और यहाँ पे इतना है सेम प्रेशर पे। तो ये जो रीजन होता है, ये होता है सुपर हीटेड रीजन। ये कौन सा होता है? सुपर हीटेड रीजन। और जब ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ठीक है, तो हमारी जो वाटर वेपर होती है वो किस में होती है? सुपर हीटेड रीजन में होती है। तो यही हमारे क्या होता है, काम का होता है। और हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर किसका फंक्शन है? ओमेगा का, है ना, ओमेगा किसका फंक्शन है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से और यहाँ पे लगा देते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और अपना बना देते हैं क्या, चार्ट। कौन सा? साइकोमेट्रिक चार्ट। और वो बन के आता है कुछ ऐसा, ये होता है अपना सेचुरेशन कर्व, ये होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये होता है हमारा ओमेगा, ठीक है। तो कहो तो मैं फिर इसको और अच्छे से बता दूं, ठीक है, बाकी जरूरत है नहीं है यार देखो ऐसे ऐसे बताने की कैसे आता है। सिंपल, जैसे जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर बढ़ाते हैं, जो मैं बता ही देता हूँ, नहीं आधे सी में परेशान हो जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग पार्शियल, ये क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर है इस पीवी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी कट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टीएस डायग्राम है ये, है ना, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो उसी वैल्यूज को पीवी के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे पीवी बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, करेक्ट, उसी को हमने ड्रॉ कर दिया है। फिर एक पॉइंट देखा है हमने, और फिर एक बार उसके इधर गए, एक बार इधर गए, तो जिस सेम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जिस साइड में, तो वो कौन सा रीजन होगा, वो कौन सा रीजन होगा, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है, वो कौन सा रीजन होगा, सुपर हीटेड रीजन। और हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, जो वेपर प्रेजेंट होती है वो एयर में सुपर हीटेड रीजन में होती है, तो ये रीजन हमारे काम का है, तो यही रीजन हमने ले लिया, करेक्ट। अब अगर मॉइस्ट एयर के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें मॉइस्ट एयर की, तो होती है 3, हम लोग डायग्राम खींचते हैं 2 के बीच में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ओमेगा। जो तीसरी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रेशर, ठीक है। तो ये जहां भी ये तुमको चार्ट मिलेगा, जहां भी देखोगे, तो वो एक फिक्स प्रेशर के लिए होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमको 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी चीज को बताने के लिए, करेक्ट। तो प्रेशर हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, और ओमेगा हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन सी लाइनें होती हैं और कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेट, इस तरीके से ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। ओमेगा की लाइन जो होती है, अगर ओमेगा की लाइन की बात करें, तो ये किसकी लाइन है, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये किसकी लाइन है, ये है ओमेगा की लाइन,
ओमेगा कंटेंट बढ़ रहा है, करेक्ट। और ओमेगा की जो लाइन होती है वही कौन सी लाइन होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन रहती है, क्योंकि भाई ओमेगा किसका फंक्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर का, है ना। और जब तक पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कांस्टेंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी लाइन क्या करेगी, यानी कि ध्यान रखना साइकोमेट्री प्रोसेस चार्ट में ओमेगा की लाइनें और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइनें सेम होती हैं, ठीक है। तो यही ओमेगा है और यही क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है बात। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। कांस्टेंट हम लोगों ने तीन लाइनें पढ़ ली हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन कैसे होती है, ओमेगा की कैसे होती है, और वैसे ही किसकी होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन की, किसकी, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ठीक है, तो ये अपना चार्ट है और ये रही अपनी लाइन, ये रही अपनी कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन। यहां पे अपना बनी रहती है वैल्यू, ये क्या है, एंथैल्पी h। तो ये जो लाइन है ये किसकी है, कांस्टेंट एंथैल्पी, करेक्ट। ये लाइन है कांस्टेंट एंथैल्पी। अभी मैं सिर्फ लाइनें बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, इधर कम हो रही है, इधर जाओगे तो बढ़ रही है, ठीक है। इधर इधर एंथैल्पी कम है, ऐसे ऐसे आगे जाओगे तो बढ़ रही है, यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ रही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन होती है जो थोड़ी सी डिफरेंस होती है किससे, एंथैल्पी लाइन से, इस टाइप से सीधी नहीं होती है, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये ब्लू वाली है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन, ठीक है। तो इसका ना कभी क्वेश्चन आता है ना जरूरत पड़ती है, लेकिन पता होना चाहिए हमको कि लाइन कैसे है, इधर पे जाओगे तो कम है, आगे जाओगे तो ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो दो लाइनें और बची हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, एक बची है वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन और एक बची है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन। तो पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर एच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या हो गया हमारा सैचुरेशन कर्व, फाइ इज इक्वल टू वन, ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये हो गया हमारा ओमेगा। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं, देखो मैंने एक दिन और बताया था, क्वेश्चन लगवाया था, ये कितनी है 90, 70, 60, 40, तो धीरे धीरे करके घटती जा रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, करेक्ट। यानी कि ऐसे नीचे तरफ जाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब अगर हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन की बात करें, अभी मैं सिर्फ लाइनें बता रहा हूँ, प्रोसेस बताऊंगा ना तब बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस में क्या चीज बढ़ रही है घट रही है। जब तक लाइनें नहीं पता होंगी कि कैसे कैसे चार्ट में होती है, तब तक पता नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। ये अपना चार्ट है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये है ओमेगा और ये फाइव इक्वल टू वन। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन, ठीक है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है वो होती है ऐसे, करेक्ट। ये है कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर। और अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमें याद रखना है कि इंथैल्पी की जो कांस्टेंट इंथैल्पिक लाइन है, कांस्टेंट इंथैल्पी की जो लाइन है एंड वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, इनके बीच में थोड़ा सा डेविएशन होता है, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा डेविएशन होता है, लेकिन हम लोग अभी इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन गए हैं कि उसको हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। तो फिर ऑल कैलकुलेशन पर्पस हमारे लिए क्या है, बोथ आर सेम, बोथ लाइंस आर फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस अपने लिए क्या सेम है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सारी लाइनें खत्म हो गई हैं, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस पे। अब प्रोसेस पे चलते हैं तो अपना इंपॉर्टेंट वाला काम हो गया चालू। तो अब आँख खोल के जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ईजी लगता है ना सबको कि ये हीटिंग कूलिंग, लेकिन अभी देखो मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आएगा क्या, ईजी कुछ नहीं है, जान निकल जाती है,
ठीक है, इसको समझने में और समझाने में। अब ध्यान से समझना बस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसिबल हीटिंग, फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस क्या है कि हम लोग अपनी एयर को हीट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द ओमेगा कंटेंट, यानी कि वाटर वेपर कंटेंट को, ठीक है। तो वाटर वेपर कंटेंट कब कांस्टेंट रहेगा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपना स्टार्टिंग है आई और ये अपना एंड है आउटपुट, करेक्ट। यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी आई और यहां पे क्या हो जाएगा टी आउट। मैंने बताया था टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है ड्राई बल्ब का, करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है आई से ओ, ये क्या है, सेंसिबल हीटिंग है। क्या है, सेंसिबल हीटिंग। अब जरा दिमाग लगा के बताओ, सेंसिबल हीटिंग है, ठीक। तो सेंसिबल हीटिंग में अगर हम लोगों को सिंपल निकालना हो कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, तो सेंसिबल हीटिंग की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, अब देखो ध्यान से सुनो जो समझने वाली बात आई है भाई। सबसे पहले ओमेगा क्या रहता है इसमें, कॉन्स्टेंट। एच इंथैल्पी, अगर इंथैल्पी की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में इंथैल्पी कहाँ होगी, इसके रिस्पेक्ट में इंथैल्पी यहाँ होगी और इसके रिस्पेक्ट में इंथैल्पी यहाँ होगी, यही लाइन होती है ना इंथैल्पी की। तो इंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज, करेक्ट। एच क्या करेगा, इंक्रीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है 90, फिर 70, 80, 60 करके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज, करेक्ट है बात। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। अब अगर हम लोग बात करें एक चीज की और इंपॉर्टेंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर पूछ दे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा बेटा कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि ओमेगा लाइन को ही वो फॉलो करता है, तो ये रहेगा कॉन्स्टेंट। तो इतनी सारी चीजें तुमको याद रखनी है, यही तभी तुम्हारा काम बन पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें हीट की वैल्यू निकालनी है कि कितनी हीट दे रहे हैं सेंसिबल हीटिंग में, तो सिंपल एम ए जो भी मास फ्लो रेट रहा हो एयर का, इनटू इनटू टी आउट माइनस टी आई, सिंपल। एच टू एच ओ, एच ओ माइनस एच आई क्या हो जाएगा, एच ओ माइनस एच आई, करेक्ट। तो ये हो जाएगा एम ए टी, टेम्परेचर गलत लिख दिया मैंने, सीपी तो लिखा ही नहीं ना, क्या लिख देते हैं, सिंपल एच ओ माइनस एच आई, यानी इस पॉइंट पे इंथैल्पी, जो इंथैल्पी की लाइन रही होगी यहाँ पे रीडिंग लेंगे और इसके रिस्पेक्ट पे रीडिंग, तो ये हो जाएगी हीट कि कितनी हीट हमने दी है। पहला सेंसिबल हीटिंग, फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड पे आओ, समझ गए होगे, अरे अभी तो देखो, अभी तो मजा आएगा, अभी तो सबसे ईजी वाले हैं ना ये। सेकेंड सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग, करेक्ट। सेंसिबल कूलिंग कैसा होता है देखो जरा, ठीक है, ये है सेंसिबल कूलिंग, इनपुट आई, ये है आउटपुट टी आई टेम्परेचर, ये है टी आउट टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट में एच क्या होंगे, ये होंगे एच ओ और ये एच आई। तो अगर हम लोग इसकी बात करें सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग की, तो सेंसिबल कूलिंग में क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है, सबसे पहले तो बात करेंगे ये है ओमेगा, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं तो ओमेगा हमारा क्या है, सेम लाइन है, तो ओमेगा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन भी यही होती है, तो ये भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंथैल्पी, तो इंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो कम हो रही है, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन होगी और यहाँ पे होगी, तो क्या कर रही है, ऐसे इंक्रीज करती है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। ठीक है, तो ये हो गया सेंसिबल कूलिंग। और अगर हीट की बात करेंगे तो हीट कितना हो जाएगा, सिंपल एम डॉट ए मास रूट ऑफ एयर और एंथैल्पी ऑफ इनपुट माइनस एंथैल्पी ऑफ आउटपुट। तो ये हो गया हमारा सेंसिबल कूलिंग। क्लियर है ना भाई, इसीलिए मैंने सारी लाइनें बताई थी, एंथैल्पी घट रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ओमेगा कांस्टेंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट है और ड्राइवर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, अब आए थोड़े से इंटरेस्टिंग। तुम्हारा फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारा क्या, ह्यूमिडिफिकेशन। क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। चलो चलते हैं फिर, ह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन ये होती है, ये क्या हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट, ओ आई और ओ। ये है ओमेगा, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये है फाई। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। हम लोग वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ओमेगा क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस ही वही है। अगर हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को देखें तो क्या है, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, ओमेगा लाइन को फॉलो करता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंथैल्पी की बात करें एच की, तो वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। भाई एंथैल्पी इसके रिस्पेक्ट में ये रही होगी और इसके रिस्पेक्ट में ये रही होगी, है ना। तो एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जरा देखो एक जो बात ध्यान होने वाली है इधर, एक ये और एक जो अगली प्रोसेस है, कौन सी, डीह्यूमिडिफिकेशन। कौन सी प्रोसेस है, तो दोनों में मुझे एक पॉइंट बताना है अभी। प्रोसेस फोर्थ, डीह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे, हम लोग वाटर कंटेंट को रिमूव करेंगे, वाटर कंटेंट को रिमूव करेंगे एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है, आई इनपुट और ओ आउटपुट, ये प्रोसेस है। तो ये है ओमेगा, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये है फाई। जरा मुझे एक ध्यान से बता दो क्या क्या होगा। ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है अपना, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इनपुट पे यहां पे, आउटपुट पे यहां पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग एंथैल्पी की बात करें तो यहां पे एंथैल्पी ये थी और यहां पे एंथैल्पी क्या है, रिड्यूस हो रही है। ये है एच आई और ये है एच ओ, करेक्ट। तो एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हमारी चार जो बेसिक प्रोसेस थी वो हमारी हो गई। अरे डब्ल्यू बी टी वही होगा ना, डब्ल्यू बी टी और एंथैल्पी लाइन को तो मैंने सेम बता दिया ना, जो एंथैल्पी के साथ होगा वही डब्ल्यू बी टी के साथ होगा। मतलब इतना बड़ा बड़ा बताया था अलग से नोट लगा के, कि ऑल कैलकुलेशन पर्पज और सब के लिए क्या कहते हैं, सेम मान लेते हैं। अब आगे देखो जरा ध्यान से इधर, कि आइडियल ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन लाइन होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम बगैर टेम्परेचर के चेंज किए उसमें वाटर कंटेंट ऐड कर दें या फिर डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो आइडियल है ये, आइडियल ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत ये अपने इससे डेविएट होंगी, थोड़ा बहुत अपने पास से डेविएट होंगी। तो ये ध्यान रखना कि आइडियल ऐसी, ये केस क्या है, ये आइडियल है ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, ये होते नहीं है। ये दोनों प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर वेरी करता है, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता, लेकिन जब हम लोग आइडियल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। लेकिन अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो तुमको फंसा देगा, पक्का फंसा देगा।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब देखो अब आने वाला है मजा, अब ये वाली फिफ्थ प्रोसेस। अभी तुम लोगों ने आज तक कभी ऐसे पढ़ा नहीं होगा, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ये है अपना इनपुट और ये है अपना आउटपुट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं और वाटर कंटेंट भी क्या कर रहे हैं, इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं टेक कर क्या रहे हैं हम लोग कि एक चैम्बर है, ठीक है, उसमें कूलिंग कॉइल एक लगी हुई है और उधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर को सप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो जो कूलिंग कॉइल लगी हुई है, है ना, उसका जो टेम्परेचर है, इस पहली चीज जो पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है, वो मान लो TC है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर TC है और ये होता है लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब देखो लगाओ दिमाग भाई, एयर जहां पे है और अगर उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव करना है तो जो कॉइल से ठंडा कराओगे वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। क्यों? तभी जब उससे टकराएगा तो जो एयर टकराएगी तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किस में कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड में, और वहां से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही वाटर वेपर यहां जाएगी, टेम्परेचर क्या है, लेस देन ड्यू पॉइंट है, तो यहां पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा लिक्विड, और यहां से हम लोग लिक्विड रिमूव कर देंगे लिक्विड। ठीक है, तो जो एयर निकलेगी उसमें वाटर वेपर का कंटेंट क्या होगा, कम होगा, कूलिंग कॉइल है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, सिंपल अगर एग्जाम्पल हमको देखना है इसका, प्रोसेस का एग्जाम्पल, तो ग्लास वाला बताया ना मैंने, अगर हम लोग ग्लास रख रहे हैं एकदम ठंडा फ्रिज से निकाल के, तो आसपास जो लिक्विड जम जाता है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, आसपास की एयर के वाटर वेपर को एक्सट्रैक्ट कर दिया है और आसपास की एयर क्या हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। दैट सिंपली मीन्स अवर एयर बिकम्स मोर ड्रायर, यानी कि उसमें से वाटर वेपर का कंटेंट घट गया है, ठीक है। तब अगर इसकी वैल्यूज देखें हम लोग, ये इनपुट है और आउटपुट, तो ओमेगा कंटेंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अगर इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें, डीबीटी, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और लास्ट एक और बचता था, क्या बचता था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्या हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि जो कॉइल का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो हमेशा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है, क्यों, क्योंकि हमें उसमें से वाटर वेपर का कंटेंट रिमूव करना है। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई हो तो यार हाँ हूं कुछ करो है? कुछ बोल ही बोल नहीं रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। बात क्लियर है? वैभव बोला है, एक बच्चा के, हाँ सर क्लियर है, मतलब अभी तो पहले ही बताया है।
और तुमको क्या लगता है गेट वाले यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तुम लोग तो हल्के में निकाल देते हो भाई। अगर इसको सही से समझोगे कि टेम्परेचर किसका कहाँ रखा है, तो बहुत मेहनत का काम है, अच्छे खासे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन ले लिया, करेक्ट। अब हम लोग ले लेते हैं कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, तो कंपेयर भी हो जाएंगे दोनों। ठीक है, कूलिंग प्लस, अब ध्यान से सुनना, देखो कंफ्यूजन यहीं पे है, ये दोनों क्लियर तो सब क्लियर। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, वापस वही चार्ट बनेगा अपना। तो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन की लाइन अपनी कैसी होगी? कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन की लाइन होगी अपनी ऐसे। आ बेटा एडियाबेटिक सैचुरेशन, ये अपना आई है इनपुट और ये क्या है आउटपुट, करेक्ट। आई इनपुट एंड आउटपुट। तो देखो सबसे पहले कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर समझना है तो अपना कूलर है घर का, घर में जो गर्मियों में कूलर लगाते हो ना, कूलर वही है कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कैसे? एयर बाहर की गर्म होती है, अपनी जालियों में पानी गिर रहा होता है, ठीक है, तो एयर उसके कॉन्टेक्ट में आती है, सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड इन द सेंस उसमें वाटर कंटेंट बढ़ता है और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कूलर क्या करता है, वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है और वाटर कंटेंट भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो इसमें अब ध्यान दे रखने, अब पहला कन्फ्यूजन जो दूर करना है हमको, पहला कन्फ्यूजन जो दूर करना है अभी ध्यान से सुन लो कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। एयर यहाँ से जाएगी, मास ऑफ एयर, और यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें एक कूलिंग कॉइल लगा देते हैं, ठीक है, और एक वाटर वेपर के फब्बारे लगा देते हैं, यानी कि वाटर वेपर ऐड होता रहे और कूलिंग कॉइल से ठंडा होके निकल जाए, करेक्ट। या फिर ठंडे पानी का स्प्रे ही लगा देते हैं, तब भी हमारा काम बन जाता है, ठीक। तो होता क्या है इस केस में कि जो टेम्परेचर ऑफ कॉइल होता है, ध्यान रखना है, ये हमेशा होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम। अब ध्यान से सुनो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा होता है क्यों कॉइल टेम्परेचर? क्योंकि अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से छोटा होगा तो वो ऐड करने की जगह क्या करेगा और रिमूव कर देगा वाटर वेपर को, तो उससे बड़ा रखते हैं। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें कूलिंग भी करनी है, बात समझ रहे हो। मान लो कि एयर है, अपनी नॉर्मल एयर है कोई, ठीक, और उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 5 डिग्री है, यानी कि 5 डिग्री के टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आते ही उसमें जो वाटर वेपर है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें कूलिंग करनी है, ये वाली कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि वाटर वेपर भी ना घटे और ठंडा भी हो जाए, और वाटर वेपर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रे करके ऐड कर दे रहे हैं, तो ह्यूमिडिफिकेशन हो जा रहा है। तो इस केस में जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, इससे कम रहेगा और इससे ज्यादा रहेगा। तो जो हमारा कॉइल टेम्परेचर होगा वो इसके बीच में होगा, इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम करते ही क्या हो जाएगा, ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छी बात है, कुछ लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई, तो इसका तो अपने आप निकाल लो। ओमेगा क्या कर रहा है? ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। इंथैल्पी कांस्टेंट है, इंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, करेक्ट। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब जरा देखो कि यही जो प्रोसेस होती है, यही क्या होती है? एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। कैसे होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एडियाबेटिक मतलब कि इंसुलेटेड एक फ्लास्क, मतलब एक सिस्टम टाइप का लेते हैं अपना, और यहां पे फिल कर देते हैं क्या, वाटर, क्या कर देते हैं, वाटर, और यहां से क्या करते हैं, एयर फ्लो कराते हैं, ठीक है। एयर फ्लो
कराते हैं, जैसे ही हम लोग एयर फ्लो कराते हैं तो एयर क्या करती है, इस वाटर वेपर को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करती है और निकल जाती है, यानी कि सैचुरेट होती जाती है। ये बहुत लंबा होता है, इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। तो जब निकलेगी तो सैचुरेटेड होकर निकलेगी, और इंसुलेटेड है तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। तो जो इंथैल्पी स्टार्टिंग में होगी वही इंथैल्पी क्या होनी है, इसकी लास्ट में होती है, ठीक है। तो वही डायग्राम की क्या इसमें बना रखा है मैंने, अगर इसमें जाके देखोगे इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, तो दोनों केस में इंथैल्पी क्या रहनी है, एच कॉन्स्टेंट रहनी है। तो ध्यान रखना इसमें एच भी कॉन्स्टेंट है और वेट बल्ब टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, और ऊपर वाले में क्या था, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। इसमें सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल क्या था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम था, उसमें क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है। तो यहां पे हमारा काम खत्म हो गया, किसका, एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट, दो और बची हुई है, अगली बची है हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, करेक्ट भाई, समझ में आ रहा तुम लोगों को, नहीं आ रहा, वीडियो रहेगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ लो, बाद में वीडियो देख लेना, अभी भाग जाओगे क्या, ठीक है। तो भाई देखो मैं बता रहा हूँ, आज जो प्रोसेस पढ़ ले रहे हो कभी नहीं भूलेगा, और एग्जाम में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक बार इतने सारे प्रोसेस में मैंने सब डिटेल में बता दिया है, क्योंकि इस पार्ट में कन्फ्यूजन मुझे बहुत बच्चे बहुत पूछते हैं, सर कैसे रिलेटिव इम्यूनिटी बढ़ गई, कैसे घट गई, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, और समझते रहो। अगली प्रोसेस क्या है अपनी, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन तो कैसे जाएगा, आई और इनपुट और आउटपुट। तो देखो क्या क्या हो रहा है इस केस में, क्या क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, डीबीटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भैया पता नहीं है, ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है कि वो कर्व कैसे जा रहा है, हम लोग कैसे चला रहे हैं, तो अभी कोई कमेंट नहीं है, अगर वो खुद बोल देगा तब ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया, इंथैल्पी की बात करें हम लोग, इंथैल्पी, तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऐसी थी ना, हो सकता है कि इस प्रोसेस में कोइंसाइड कर रही हो या नहीं कर रही हो, तो जब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह दे दे ओमेगा ओमेगा, तब हम लोग बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ऐसी ही तो लाइन होती है वो भी, है ना। तो जब वो टेम्परेचर और वैल्यूज देगा तो हम लोग सॉल्व करके इस पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे, और इस पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस आ रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, अगर सेम आ रहा है तो कांस्टेंट है, ये सॉल्व करने पड़ते हैं सवाल, जब अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चन में जाओगे तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे काम किसके हो गए, इसको करते कैसे हैं, देखो यहां से एयर सप्लाई करोगे और यहां पे क्या करोगे, गरम गरम पानी की स्टीम स्प्रे करा दोगे, तो जैसे स्टीम स्प्रे कराओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और ह्यूमिडिफाई भी हो जाएगी अपनी एयर, ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, वाटर वेपर ऐड करते हैं हम लोग विद सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। लास्ट हमारी जो प्रोसेस रह गई है वो क्या रही है, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। अब तो बोलते बोलते भी थक गए हैं भाई, आज तो सवाल नहीं ज़्यादा लगा ना, सवाल दे दो तो टाइम मिल जाता है थोड़ी सांस लेने का। हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन तो हो गया ना, डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होती है
हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन यानी कैसे जाएगा, ये क्या है आई इनपुट, ये है आउटपुट, इनपुट एयर आउटपुट एयर। तो देखो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। इंथैल्पी एच कॉन्स्टेंट है, तो इस प्रोसेस के लिए भी इंथैल्पी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, करेक्ट। तो ये कॉन्स्टेंट इंथैल्पी लाइन होती है, ठीक है। इसमें करते क्या हैं, अगर हम लोग देखें इसको लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। स्पेशल टाइप का केस भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिया, होता कैसे जरा मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल है एडियाबैटिक, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें होता क्या है कि कुछ टर्म, कुछ मटेरियल्स होते हैं, जियोलाइट, ठीक है, सिलिका जेल, इस टाइप से मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जियोलाइट सिलिका जेल, ठीक है। और ये करते क्या है, ये एक जगह फिल है, ये एक जगह पे फिल है, ये हमारी एक जगह पे फिल है, जियोलाइट और सिलिका जेल, ठीक है, ये बात समझ गए हो ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एडियाबेटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। स्पेशल टाइप केस है, कैसा, जहां पे जैसे नहीं जो रिमोट एरियाज होते हैं जहां पे अपने सोल्जर वगैरह लगे हुए हैं, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि ये जो वाटर वेपर है उसको कंज्यूम करता है ये मटेरियल, ठीक है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको ठंडा करेगा, यानी कि लिक्विड में वाटर वेपर को कन्वर्ट करेगा और हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो आसपास का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे कॉफी और मग होते हैं उसके नीचे लगा होता है ये, ठीक है, और एयर होती है, तो वो क्या करता है, वहां से हीट वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और हीट क्या करता है, रिलीज करता है, और वो हीट किसके काम में आ जाती है, कॉफी वगैरह को गर्म करने के, ठीक है। सिलिका जेल, जियोलाइट, इस तरह के मटेरियल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, एल्यूमिना भी एक होता है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब करते हैं उसको कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन के बाद इसकी जो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, वो क्या करती है, मटेरियल को गर्म करने के काम में आ जाती है। तो प्रोसेस क्या होती है, ये इसमें क्या हुआ है कि ओमेगा कंटेंट घट गया है, जो एयर होगी वहां से वाटर वेपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और टेम्परेचर क्या कर दिया, इनसे आउट इंक्रीज कर दिया है। इसे बोलते हैं हम लोग हीटिंग प्लस, ठीक है, हीटिंग प्लस, ठीक है। तो अरे समझ गए हो ना यार, इतनी सारी प्रोसेस समझा दी है, अब थोड़ा बहुत खुद से लगाओ, ठीक। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस क्लियर हो गई है, लेकिन अभी हमारा साइकोमेट्रिक वाला काम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास दो तीन चीजें पढ़नी बची है, सेंसिबल हीट फैक्टर, बाईपास फैक्टर और मिक्सिंग ऑफ एयर, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एयर। तो ये दो तीन चीजें बची हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये आज का काम खत्म करेंगे। तो यहाँ तक अगर जो प्रोसेसेस हुई हैं इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हुई किसी भी प्रोसेस में, केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन में और फिर हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन में, कूलिंग में, हीटिंग में, तो मुझे बता दो, मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है, दो मिनट का टाइम है, जल्दी से बता दो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ तो मैं उसका रिस्पॉन्स दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस साल आने का पूरा चांस है। सब क्लियर है, वेरी गुड। देखो ध्यान रखना, एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस क्या है, क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एडियाबेटिक इंसुलेटेड बना के लंबा सा इनफाइनाइट लंबा पाइप लेते हैं, उसमें कराते हैं प्रोसेस, तो वही है। इंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब इतना बहुत पढ़ने के बाद
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर. क्या सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है, ये क्या होता है, इससे गेट में क्वेश्चन आए सेंसिबल हीट फैक्टर. ठीक है, मान लो कोई प्रोसेस है, मान लो ये कोई प्रोसेस हो रही है वन से टू, कोई प्रोसेस हो रही है वन से टू, ये अपना क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये अपना क्या है ओमेगा, ये फाई अपना सेचुरेशन कर. तो ये जो वन से टू हो रही है प्रोसेस, तो हमको पता है कि इसकी कुछ एंथैल्पी रही होगी, ये एंथैल्पी वाली अगर लाइन है, ठीक है, तो ये एच टू और ये रहा होगा एच वन. तो अगर इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दें, मान लो ऐसे हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग थोड़ा इसको तोड़ के देखते हैं, ठीक है, अच्छे से तोड़ते हैं इसको. कैसे देखो, ये मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि इसमें हमको दो नए टर्म मिल जाएंगे. कैसे मिल जाएंगे, ध्यान से देखो, ये 0.3 बोल दिया है, 1 से 3 जो प्रोसेस है, देखो हम लोग 1 से 2 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 से 3, 3 से 2, जो 1 से 3 प्रोसेस है वो ध्यान से बताओ तो सेंसिबल हीटिंग की प्रोसेस है. सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में SH, सेंसिबल हीट. और अगर 3 से 2 की बात करो तो ये क्या है, लेटेंट हीट. लेटेंट हीट या तो वाटर वेपर कंटेंट हम लोग ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, तो ये क्या है लेटेंट हीट. तो जो सेंसिबल हीट और दोनों को अगर मिला दो, दोनों को अगर मिला दो तो वो क्या बनता है टोटल हीट. ठीक है, टोटल हीट तो क्या बनता है टोटल हीट, यानी कि टोटल हीट क्या है सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट. अभी देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे, ये मान लो S3 है, तो अगर हम लोगों को टोटल हीट निकालना है, अगर हमको इस डायग्राम से टोटल हीट निकालना है तो टोटल हीट क्या लिखोगे, टोटल हीट क्या लिखोगे, टोटल हीट लिखोगे H2 माइनस H1. सेंसिबल हीट निकालनी है तो क्या लिखोगे, H3 माइनस H1, H3 माइनस H1. और अगर लेटेंट हीट निकालनी है तो क्या लिखोगे, H2 माइनस H3 प्लस H2 माइनस H3. तो यहां से देखोगे तो ये कट गया, कितना बचा H2 माइनस H1. ठीक है, यानी कि चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो बात बराबर है, बात क्या है बराबर है. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेंसिबल हीट फैक्टर की. तो जो हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर होता है वो क्या होता है, सेंसिबल हीट फैक्टर जो हमारा होता है वो क्या होता है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट. ठीक है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सेंसिबल हीट कितना है अपना, एच थ्री माइनस एच वन डिवाइड बाई एच टू माइनस एच वन. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंसिबल हीट डिवाइड बाई लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट. करेक्ट, तो बात वही है, चाहे ऐसे लिखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर. तो इस तरीके से जब अभी तो हम लोग अपने सिलेबस में एयर कंडीशनिंग है नहीं है ना, एयर कंडीशनिंग में होता है ना ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, तब इन फॉर्मूलों की बहुत जरूरत पड़ती है. ठीक है, अभी ऐसा जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक आध सवाल कभी ना कभी पूछ लिखता है. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट फैक्टर, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट. सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, इसके अलावा देखो दो फॉर्मूले और होते हैं, वो रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं, लेकिन मान लो कभी आ जाए, मतलब एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं बड़े सवालों में, लेकिन कभी आ जाए तो डर मत जाना, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ 0.0204 इंटू सी एम एम इंटू डेल्टा टी. ठीक है, ये कितना होता है 50 इंटू सी एम एम इंटू डेल्टा ओमेगा. सी एम एम इंटू डेल्टा ओमेगा, यहाँ पे सी एम एम क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर. सी एम एम क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, ये दोनों आएंगे किलोवाट में. ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर मिनट, वॉल्यूम रेट ऑफ एयर मीटर क्यूब पर मिनट. ठीक है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर सी एम एम क्या है, क्यूबिक मीटर पर मिनट. तो ये दो फॉर्मूले हैं सिंपल, क्या सेंसिबल हीट का एक ही फॉर्मूला होता है, वैसे हो सकता है देखा भी ना हो गेट वाले में, क्योंकि नहीं पढ़ाते हैं लोग बात, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो.
ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले कन्वेंशनल सवाल देखा था गेट का, उसमें इसकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है, 90s में था, तो हो सकता है दोबारा कभी शक गया, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, सिंपल हमें पता है MC डेल्टा टी होता है, ठीक है, तो मास को क्या ले सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, तो उसी में जब वैल्यूज पुट करते हैं कन्वर्ट करके तो ये फॉर्मूले आ जाते हैं, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक ना एक और टर्म रह गया है अपना, क्या बाईपास फैक्टर, क्या रह गया है बाईपास फैक्टर, क्या रह गया है बाईपास फैक्टर। देखो एकदम ट्रिक बताऊंगा जबरदस्त, क्योंकि ये सब जो इफिशियंसी इफेक्टिवनेस बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई, एकदम सवाल ले ही जाते हैं, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर, तो अपनी एक कूलिंग कॉइल है, ठीक है, कूलिंग कॉइल है, उसका टेम्परेचर है T3, यहाँ से हम लोगों की एयर जा रही है उसका टेम्परेचर है T1, और यहाँ से हमारी एयर निकल रही है उसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। एयर एंटर हो रही है T1 से और एग्जिट हो रही है T2 से, ठीक है। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन यार, टाइम तो मिले मुझे, अभी तक मैं कॉम्बैट ले रहा था, उसके अलावा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे 3-4 दिन की क्लासेस लेनी है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है ना, क्या कैसे क्या पढ़ाना है, कुछ बताना है कि नया बताना है कि नहीं बताना है, तुम लोगों को लगता है कि सब हो जाता है, टाइम नहीं मिल रहा है, पता है पिछले 1 महीने से इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, ठीक। तो जो बाईपास फैक्टर क्या है, तो बाईपास समझते हो ना, जो सैरो में बना होता है बाईपास, है ना, तो देखो बाईपास T1 से हमारा टेम्परेचर में एयर गई, ठीक है, और T2 टेम्परेचर से हमारी एयर निकल आई, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर क्या होता है कि कितना उसने मिस कर दिया, कितना उसने मिस कर दिया, ठीक है। तो मिस कैसे किया उसने, देखो T3 टेम्परेचर था हमारा कूलिंग कॉइल का मान लो, करेक्ट, और उसने टेम्परेचर कितना पहुंचाया है T2, यानी कि उसने कितना मिस कर दिया, इतना T3 माइनस T2, और मैक्सिमम कितना कर सकता था, ठीक है, मैक्सिमम वो कितना कर सकता था, वो कितना है T3 माइनस T1। अभी देखो मैं समझाता हूँ, इधर देखो एयर इंटर हुई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, निकली कितने पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना था, सॉरी हीटिंग कॉइल मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हीटिंग कॉइल मान लो, इसका टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हम हीट कर रहे हैं कूल नहीं कर रहे हैं, किस दोनों में चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 40। अब देखो एयर इंटर की हमारी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, करेक्ट, एयर इंटर की हमारी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कॉइल थी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और निकली है एयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि उसने अपना कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया है, उसने अपना 10 डिग्री तो इंक्रीज कर लिया है, अभी उसने कितना छोड़ दिया, कितना बाईपास कर दिया 5 डिग्री, यानी कि अभी वो ये 35 करो इसको, 10-10 में तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, 35 कोई वैल्यू ले लो, इसने 5 डिग्री क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया है, तो ये वही वैल्यू है T3 माइनस T2, यानी कि 35 माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय इसके पास स्कोप कितना था, ये अपना टेम्परेचर 20 से मैक्सिमम कितना कर सकता था, 35 कर सकता था, तो मैक्सिमम डिवाइड बाय कितना बाईपास कर दिया है। और अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें इसी के टर्म में, इफिशियंसी, तो वो क्या हो जाएगी, कितना लिया, कितना लिया है T2 माइनस T1, और कितना दिया है, मैं इनको छोटे के टर्म में लिख देता हूँ, मेरी आदत छोटे में ही लिखने की है इनको, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा T3 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1 कितना है 10 डिग्री, इसने 10 डिग्री टेम्परेचर अपना इंक्रीज किया है, कर कितना सकता था 35 डिग्री, यानी कि 35 माइनस 20 यानी कि 15 डिग्री, इसके पास स्कोप अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने का एयर का 15 डिग्री था, लेकिन कर कितना पाया है सिर्फ 10 डिग्री, है ना, तो ये हुई इफिशियंसी, इसने कितना बाईपास कर दिया 5 डिग्री, तो ये क्या हो गया बाईपास फैक्टर। और अगर एक बढ़िया सी चीज दिखाएं, तो बढ़िया सी चीज ये है कि अगर दोनों को जोड़ दो, बाईपास फैक्टर प्लस इफिशियंसी, तो वो इक्वल टू हो जाती है 1, वो इक्वल टू हो जाती है 1, तो कैसे हो जाती है देख लो, देखो T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T1, जैसे LCM लोगे T2 कट जाएगा, T3 माइनस T1 बचेगा, T3 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाईपास फैक्टर निकालना चाहें तो क्या हो सकता है 1 माइनस इफिशियंसी, ठीक है, क्लियर है बात, 1 माइनस इफिशियंसी,
तो बाईपास फैक्टर अपना खत्म हो गया। देखो बहुत आसान है याद रखना, सिंपल याद रखो कितना बाईपास कर गया, ठीक है। यानी कि ये जो टेम्परेचर निकला है कॉइल से, कॉइल से जो एयर निकली है हीट होके, जो एयर निकली है वो जिस टेम्परेचर पे निकली है वो कितना और जा सकती थी, 30 से 35 जा सकती थी, तो 5 डिग्री था अपने पास, ये बाईपास कर गई, करेक्ट। तो यही क्या है अपना बाईपास फैक्टर। देखो ईजी है लेकिन क्वेश्चन गेट में यहाँ से आया है, क्वेश्चन गेट में यहाँ से आया है, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद, तुम लोग वैसे भी ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एयर, मिक्सिंग ऑफ एयर, मिक्सिंग ऑफ एयर करेंगे बढ़िया से एकदम। अभी तुम लोग लगेगा अरे सर इतना इजी था, हाँ इतना ही इजी था, ठीक है भाई इंसुलेटेड कर दो नहीं तो हीट बाहर से निकल जाएगी तो हमारे कैलकुलेशन सारे गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब डायग्राम बनाओ तो इसको क्या कर दिया करो, इंसुलेटेड, ताकि हीट बाहर लॉस ना हो। जैसे ये जो हमने बनाया था ना, इसको भी हमें क्या कर देना चाहिए था, इंसुलेटेड, ताकि बाहर हीट लॉस ना हो, नहीं तो बाहर से टकरा के टेम्परेचर बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो देखो मिक्सिंग ऑफ एयर दो स्ट्रीम आ रही है, एक स्ट्रीम इधर से आ रही है और एक स्ट्रीम इधर से आ रही है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ से मास फ्लो रेट एम ए है, एम ए, ठीक। मास फ्लो रेट क्या है अगर हम लोग बात करें सिंपल, तो एम ए वन है ड्राई एयर का मास, एम वी वन है वेपर का मास, और ओमेगा वन है क्या वाटर वेपर कंटेंट, और टी वन क्या है टेम्परेचर, टी वन क्या है टेम्परेचर, करेक्ट। सेम अगर इधर से आओगे तो क्या हो जाएगा, एम ए वन MV2 मतलब सेकेंड स्ट्रीम है, ये फर्स्ट है और यहाँ पे क्या है सेकेंड स्ट्रीम है, ठीक है। मास ऑफ एयर, मास ऑफ वेपर ओमेगा 2 और T2, करेक्ट। इधर से जाओगे तो इधर से जाते हैं हम लोग, इधर से क्या होगा मिक्स होके निकलेगा, तो उसका एयर क्या होगा MA3 MV3 ओमेगा 3 एंड T3, करेक्ट। अब अगर हम लोग सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दें, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम लोग मास लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि कहीं कुछ लॉस ऑफ हो नहीं रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या आ जाएगा MA1 प्लस MA2 इक्वल टू MA3 और MV1 प्लस MV2 इक्वल टू MV3, करेक्ट। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो क्या आ जाएगा एम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे रहे हैं, तो एम ए वन एच वन प्लस एम ए टू एच टू, इंथैल्पी रही होगी ना, इक्वल टू एम ए थ्री, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है ना, कहीं हीट वीट लॉस तो हो नहीं रही है, तो ये हो जाएगा S3, ठीक है। अब हम लोगों को सिमिलरली, हम लोगों को एक चीज़ पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, अगर देखें तो MA1 ओमेगा 1, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग चाहें इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा 1 इक्वल टू MV1 अपॉन MA1, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम MV1 की वैल्यू चाहें तो क्या आ जाएगी ओमेगा 1 MA1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओमेगा 1 MA1 प्लस ओमेगा 2 MA2 इक्वल टू ओमेगा 3 MA3। भाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, वहीं से भाई ये वैल्यू, पहले तो इस इक्वेशन को हम अंडरलाइन कर दें, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग इससे वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम क्या करें, जो ओमेगा 3 है, ठीक है, जो MA3 है और जो ये MA3 है, दोनों की जगह क्या रख सकते हो MA1 प्लस MA2 क्या रख सकते हो भाई, क्या रख सकते हो, अगर ऊपर वाले में रखें तो MA1H1 प्लस MA2H2 इक्वल टू MA1 प्लस MA2, ऊपर इक्वेशन लिखिए ना MA2 और H3। सिमिलरली इसमें लिख सकते हो MA1 ओमेगा 1 प्लस MA2 ओमेगा 2 इक्वल टू MA1 प्लस MA2 ओमेगा 3। तो यहाँ से देखो, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि बाकी सब चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं MA1 / MA2 का रेशियो,
MA1 बाई MA2 एक बार आ जाएगा ओमेगा के टर्म में इस फॉर्मूले से, एक बार आ जाएगा H के टर्म में, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3। दूसरा आ रहा है H3 माइनस H2, सेम H3 माइनस H2 और H1 माइनस H3। अरे इसको खोल के एक तरफ ले जाओगे MA1 वाले और एक तरफ ले जाओगे MA2 वाले, तो अपना काम हो जाएगा। तो अब ये आ गया है, अब वो वाला सवाल लगाओगे मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, तो सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो काम आता है ना MA1 MA2, ये आता है, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग लाइन इक्वेशन, कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग की लाइन इक्वेशन जब होती है ना, तो जब भी कभी एयर कंडीशनिंग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करोगे, ठीक है, अगर हमारे साथ करोगे तो हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इस लाइन का, इस फॉर्मूले का यूज होता है एयर कंडीशनिंग लाइन का, क्योंकि रेशियो निकल के आता है उसका, बहुत ज्यादा काम का है ये फॉर्मूला। तो इस एस सच गेट में तो काम नहीं इतना आता है, लेकिन जब एयर कंडीशनिंग पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा काम में आता है। तो ये हो गया है, इसके बाद देखो एक छोटा सा टर्म और रह गया है, तो ध्यान रखना, एक तो वेंटिलेटेड एयर तो समझते हो, वेंटिलेशन वाली एयर, ठीक है, जब एसी चल रहा होता है तो कोई भी घर में एसी लगा है तो वो हर बार पूरी प्योर एयर नहीं लेता है, ठीक है, काफी मैक्सिमम पार्ट जो है वो अंदर की एयर से ही लेता है, तभी तो एसी में रहने वालों की ज्यादा प्रॉब्लम होने जाती है ब्रीथिंग की, अगर कोई भी उनको पहले से दिक्कत चल रही है तो, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें 100% प्योर एयर लेता है, ठीक है, बाहर से, तो क्या करता है, मिक्सिंग करता है। तो ये मिक्सिंग की लाइन A1 A2 स्ट्रीम वहीं पे काम में आती है, ठीक है। तो जो बाहर से फ्रेश एयर लेता है, हो सकता है 50% बाहर से लेता है, 50% रूम की लेता है, तो जो 50% लेता है उसको बोलते हैं वेंटिलेटेड एयर, ठीक। इसके बाद चलते हैं, एक लास्ट रह गया है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्या एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। मान लो ये अपनी प्रोसेस थी 1 से 2, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलिंग प्लस ड्यूमिडिफिकेशन, ड्यूमिडिफिकेशन। तो इसी लाइन को जब आगे बढ़ा दोगे तो जहां पे ये सैचुरेशन कर्व को कनेक्ट करेगी उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एपरेटस, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर एट विच द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लाइन कट्स द सैचुरेशन टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच कूलिंग एंड ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन लाइन कट द सैचुरेशन कर्व, जहां पे भी सैचुरेशन कर्व को कट करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक लाने के लिए टेम्परेचर कौन सा ले रखा होगा कॉइल का, ये वाला, ठीक है। जब कॉइल का टेम्परेचर ये ले रखा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग DVT निकालें तो ये होंगे तीनों के, ये क्या है, ये ADP है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर हमने निकालना हो बाईपास फैक्टर, ठीक है, इस केस पे अगर हमें बाईपास फैक्टर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, बाईपास फैक्टर निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक तो उसने कूल कर दिया लेकिन इतना नहीं कर पाया, यानी इतना बाईपास कर गया, यानी कि T2 माइनस TADP, करेक्ट। और मैक्सिमम कितना कर सकता था, T1 माइनस TADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, करेक्ट। तो ये एक और लास्ट टर्म बचा था, तो हम लोगों ने लगभग सारा कवर कर लिया है, पूरी थ्योरी अच्छे से, ठीक है। तो RAC हम लोगों की खत्म हो गई है, अब चाहो तो वो वाला क्वेश्चन लगाना हो तो लगा लेना, अब स्ट्रीम के बाद है, ट्राई करना, मुझसे कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना, जब भी मानो पूछ लेना, तो स्ट्रीम मिक्सिंग वाला है, दो बार दे रखा है, तो उसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाती है आराम से, ठीक है। तो अब मुझे जरा कोई दिक्कत रह गई तो बताओ, अब मैं जरा इसका बता देता हूँ, एयर कंडीशनिंग में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, अगर हम लोग बात करें किसकी, एयर कंडीशनिंग की, तो तीन फॉर्मूले एकदम रट लो, पहला ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन PT माइनस PV, दूसरा फाई इज इक्वल टू
पीवी अपॉन पीवीएस, और तीसरा जो मैंने लिखवाया था इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, सीपीटी प्लस ओमेगा 2500, ठीक है, प्लस 1.88 टी सीपी ऑफ एयर। तो ये फॉर्मूले रट लो, इनसे घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन आने वाला है, और म्यू का भी यूज कभी चाहे तो कर सकता है, वैसे करेगा नहीं इससे। कफ्स 100% इन दोनों से बहुत ज्यादा आता है, टेबल भी दिखवा लेता है वो भी करवा देता है, ओमेगा कंटेंट भी रिमूव करवा देता है, ओमेगा कंटेंट ऐड भी करवा देता है, तो हर तरह के सवाल इसमें आते हैं। इन प्रॉपर्टीज से वो बहुत खेल करता है, इधर से उधर करता रहेगा, और साइक्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है सच, प्रोसेस में इधर उधर करता रहेगा, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि हमने ये कर दिया है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ले गए, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद तुम लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। करेक्ट, तो फिर आज का सेशन कंप्लीट करें, हो गया काफी टाइम, तुम लोग भी समझ गए हो अच्छे से, और कोई डाउट हो तो मेरा ग्रुप है, देखो है ना, मेरा ग्रुप है उसको ऐड कर लेना, और कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ लेना, बच्चे पूछते भी रहते हैं, और जब भी मैं फ्री होता हूँ जवाब दे देता हूँ, मैक्सिमम टाइम अभी गेट का टाइम है तो जितनी जल्दी हो सके जवाब दे देता हूँ, अगर खाली हूँ तो तुरंत ही दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मजा आया हो सेशन में, रिविजन में, तो जरा एक बार मुझे बताओ कि भाई मजा आया है, और अगर नहीं आया है तो बताओ मैं क्या इसमें और कर दूं। अब से ज्यादा रहने गया करने को यार, कोई ग्रुप की लिंक मैसेज कर दो, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। कल देखो अगर होगा तो आईसी इंजन का करेंगे और पावर प्लांट का भी करेंगे, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेंगे, क्योंकि यार पूरा पूरा सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो जाता है, और मुझे पता है कभी कभी लगता है कि इतने छोटे में बता दे रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर दे रहे हैं, मतलब गलत इन द सेंस कि आधे लोग परेशान ना हो जाएं कि बस चला मैंने जल्दी में कोई नई चीज़ बता दी, और आधे इसमें अफसोस में चले गए हैं कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो देखो उसमें बिल्कुल मत जाना, जितना तैयार है वही सफिशियंट है, ये रिविजन है, ठीक है, कि अब 3 घंटे सुन रहे थे तुम पूरा सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी तो ऑलमोस्ट 90% कवर कर दिए, 99% कवर कर दिए, ठीक है, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं रह गया होगा, थ्योरिटिकली कुछ रह गया होगा, तो गेट में इतना थ्योरी आती नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने वो भी बोल के समझा दिया है, बस लिखवाया नहीं है। 4 घंटे काफी होते हैं सब्जेक्ट के रिविजन के लिए, ठीक है, और काफी लोगों के ठीक है, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना ग्रुप में आके, ठीक है। बाकी चलो आज का हम बंद करते हैं, और ध्यान रखना 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे इस सब्जेक्ट से, और इजी हैं, जितना अगर मैंने बताया उतना प्रिपेयर कर लिया है, समझ लिया है, डायग्राम दोनों साइकिल के रट लेना, वेपर कंप्रेशन और गैस रेफ्रिजरेशन के, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छे से याद है, और ये अगर चार्ट याद है और प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले, तो क्वेश्चन थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो लग जाएगा, ठीक है। तो सब लोग पढ़ाई करो, चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।